यंग ट्रेडर शो में हमारे आज के गेस्ट है निशित नागर। और निशित नागर मैं उनको काफी टाइम से ट्रैक कर रहा था और इवेंचुअली मुझे लगा कि ये एक अच्छा काम कर रहे हैं और इनको यंग ट्रेडर शो में इनवाइट करना चाहिए। तो निशित जी, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग, एंड बताइए कैसे ट्रेड करते हैं और क्या है आपकी जर्नी। सो थैंक यू अंकुर सर फॉर हैविंग मी हियर। इट्स अ ग्रेट प्लेजर। और मैं आपको उससे भी पहले से फॉलो कर रहा हूँ तो आई हैव बीन ट्रैकिंग यू एंड फॉलोइंग यू एंड लर्निंग फ्रॉम यू। तो मैंने बहुत सीखा है आपसे। और मैं अपने बारे में बताऊँ तो मैं एक बहुत ही छोटा कस्बा है राजस्थान में, ओके कोटा के पास। कोटा आप जानते होंगे, इट्स फेमस फॉर एजुकेशन, या इट्स एजुकेशन हब ऑफ राजस्थान जैसे। तो कोटा के से भी कुछ दूरी पर एक बहुत छोटा कस्बा है, वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। और मेरा स्कूलिंग और मेरा पढ़ाई एटलीस्ट टिल 12th मैं यहाँ से पढ़ा। फिर मैं, जैसा कि सब हमारे आसपास वाले जाते हैं कोटा, आई वेंट टू कोटा फॉर माई फर्दर स्टडीज। ओके और वहां जाके मैंने कॉमर्स, मेरा स्ट्रीम है तो मैं कॉमर्स में अपना ग्रेजुएशन किया। आई वॉज ऑल्सो परजूइंग सीए, बट देन इन द फाइनल्स आई ड्रॉप इट फॉर सम रीजंस। सो ये मेरा बैकग्राउंड तो है यहाँ से। कैसे इंटरेस्ट आया कोटा से इतना दूर, जैसा आपने बताया कि कोटा से भी दूर है राजस्थान में छोटा सा कस्बा, तो स्टॉक मार्केट में कैसे इंटरेस्ट आया, वहां पे कैसे स्टॉक मार्केट पहुंचा आपके पास? स्टॉक मार्केट देखिए, इन इन दिस वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन थिंग्स, सो टॉकिंग अबाउट ट्रेडिंग, आई केम इनटू ट्रेडिंग इन 2020 राइट आफ्टर कोरोना। ओके सो इनफैक्ट आफ्टर द रिकवरी ऑफ कोरोना, सो व्हेन कोरोना फॉल रिकवर्ड, दैट वाज द टाइम आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड, बिकॉज दैट वाज द टाइम सो मेनी ट्रेडर्स गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू द मार्केट, बिकॉज पीपल वर टॉकिंग अबाउट मार्केट एंड एटसेट्रा। सो लेट मी टेल यू फर्स्ट दैट आई वाज इन जॉब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो। सो इट्स अबाउट 2020, कोरोना हिट एंड वी वर ऑल सेंट टू वर्क फ्रॉम होम। सो आई वाज वर्किंग फ्रॉम होम एंड हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस टू ट्रेडिंग। सो मेरा एक दोस्त था, ही वाज ट्रेडिंग ऑप्शंस एट दैट टाइम। सो ही सेड दैट एवरी डे और एवरी अदर डे, ऑल्टरनेट डे, ही यूज्ड टू पोस्ट अ स्क्रीनशॉट ऑफ हिज प्रॉफिट्स। I am making, he would say, I made 8,000 today, made 12,000 today, and he kept on, and he never posted any loss making trades, only profits. This guy is doing great, right? So I thought that's a good idea. You just have to sit in front of a screen and trade and open a demat account and trade. So I got excited. I asked him, how are you doing it? So he said, it's easy and all. So I opened a Demat account looking at that friend, okay, and I started trading FNO. Put some very small amount at that point of time, very small amount I started with, and as you call it, beginner's luck, I got lucky. And I turned that starting capital into 1.8x, or almost I doubled it in few days. And you won't believe how I doubled it. Is I would not even look at the chart. मैं सिर्फ स्क्रीन पे देखता कि बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग एट 35,200 एंड 300 एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। इट वाज ट्रेडिंग अराउंड दैट। इफ इट इज गोइंग डाउन आई वुड टेक अ पुट, बाय अ पुट, एंड इफ इट इज गोइंग अप आई वुड बाय अ कॉल। And that was a profitable strategy for me for like 4 or 5 days or a week. Then came the time I lost the profit, lost the capital, and the account was down. And I was in a major setback. And what do I do now? So then came the revenge trading, that अब तो ये जो खोया है पैसा, इसको मार्केट से ही वापस लेना है, राइट? तो so as at that point of time also, I was following some YouTube channels, and there was this course I joined for 700 or $900. He told me about support and resistances and Fibonacci and all those things. So I learned it, and now I'm again confident that I'll go and break it. Now I know the support and resistance. Started taking trades on support and resistance, and they were all going like, so again lost a good amount of money in options.
Then finally, I took a break, right? And by the time I took a break, it was already beginning of 2022. No, 2021, sorry. Right? Later part of 2020, I started trading, and it was beginning of 2021. So I took a break, and mid of 21, I did not do anything. I just sat there thinking that what do I do? But I had this urge into my system that I need to do something in the market. तो फिर यस सो 2021 में मिड ऑफ 2021 एज आई सेड तब तक मैं ब्रेक पे था और फिर मैंने सोचना शुरू किया दैट कौन से और रास्ते हैं या मैं किस तरह से ट्रेड करूं दैट प्रॉफिटेबिलिटी आए. तो अंकुर जी जो भी मैं इस इंटरव्यू में बात करूंगा मैं पहले एक बात बता दूं कि दिस इज नॉट समथिंग जो मैंने खुद से डिराइव किया है या मेरा मेरा खुद का अपना स्ट्रैटेजी है मेरा खुद का स्ट्रैटेजी है लेकिन ना मैंने इसको जगह जगह से एक्वायर किया है लाइक मैंने पिकअप मार्क किया मेलोविन है, पढ़ा. हाँ तो मैंने देखा दैट यू आर डूइंग गुड देर आर सम थिंग्स जो मैंने आप की ट्रेडिंग स्टाइल से ली हैं विच आई टॉक अबाउट इन द लेटर पार्ट. तो मैं आने वाले पार्ट में बात करूंगा उसके बारे में. देन आई सॉ की दिस पर्सन इज डूइंग गुड तो मैंने उनसे कुछ सीख लिया एंड अप्लाइड इन टू माई ट्रेनिंग. सो इट्स अ लॉट ऑफ पीसेस जो मैंने जोड़ के इकट्ठे कर लिए हैं और मैं उनको अपने ट्रेडिंग में यूज कर रहा हूँ. ठीक है तो मैं फ्री कंटेंट बहुत देखता था. मैंने यूट्यूब देखा देन मैं मेरे सामने स्विंग ट्रेडिंग आई कैश ट्रेडिंग जहां पे एफएनओ की कोई बात नहीं हुई. सो आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग कि कैश मार्केट से पैसा बन सकता है. सो आई स्टार्टेड फॉलोइंग दोज पीपल जो उस समय कैश ट्रेडिंग कर रहे थे और वो बहुत अच्छा कर रहे थे. तो मैंने उनको फॉलो किया फिर मार्क मिनोविनी के बारे में सुना और जैसे ही मैंने उनके बारे में सुना आई ऑर्डर दिस बुक. वो बुक मंगाई वो बुक पढ़ी और मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी काम अगर आप चाहते हैं करना तो आपको रास्ता मिल जाएगा और आपको सही लोग भी मिल जाएंगे. अगर आप बिल्कुल सच में इंटरेस्टेड हैं और विलिंग हैं तो उसी तरह से मैंने ढूंढना चालू किया. आई फाउंड द कंटेंट ऑन इंटरनेट तो इस तरह मैं कैश ट्रेडिंग में आया. सो 2021 और 2022 मैं कहूंगा कि मैं मेरा सीखने में चला गया. फिर मैं 2022 के स्टार्टिंग में थोड़ा कैपिटल लाया डीमैट में और मैंने स्विंग ट्रेड करना शुरू किया. मुझे पता था कि मुझे छोटे ही कैपिटल से शुरू करना है बिकॉज आई नीडेड दैट कॉन्फिडेंस है ना क्योंकि मुझे मैं लॉस कर चुका था एफएनओ में तो मुझे चाहिए था कि मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं. तो 2022 ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट वेंट इनटू लर्निंग एंड इन 2022 इटसेल्फ I got introduced to you, to people on Twitter, जैसे आप मिल गए, ऐसे कई सारे लोग मिले. I started following Manas Arora and people like many many of them, Mark Minowini and those category. One thing, let me highlight this. मैंने किसी उसके बाद वो जो 700 वाला कोर्स था उसके बाद मैंने किसी कोर्स में एनरोल नहीं किया. तो एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा जिसने मुझे बहुत हेल्प की वो है ऑब्जर्वेशन. इफ यू आर ऑब्जर्वेंट तो मुझे लगता है कि आप जल्दी से चीजें स्क्रैप कर लोगे सीख लोगे समझ लोगे. तो मुझे लगता है दिस वॉज वन थिंग जिसने मुझे हेल्प की प्लस ऑब्जर्वेंट. और मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि ये जो भी लोग प्रॉफिटेबल हैं ये किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं इनका माइंडसेट क्या है वो पढ़ना शुरू किया. धीरे धीरे मैंने उसको अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करना शुरू किया एंड इट somehow worked for me. So starting 2023, I was now confident. फिर मैं थोड़ा और कैपिटल लेके आया फिर ट्रेड करने लगा. एंड यस 2023 वॉज द ईयर जब मैं प्रॉफिटेबल हुआ बाय द एंड ऑफ इट. या एंड इट्स गोइंग गुड अब अच्छा चल रहा है. नाउ आई ओके कैन से आई नो व्हाट आई एम डूइंग. या बताइए यस फिर कैसे ट्रेड करते हैं, व्हाट इज योर लाइक ऑब्जर्वेशन, क्या है, क्या क्या आपने कहाँ से अडॉप्ट किया, तो जो लर्नर है जो व्यूअर है वो भी सीख पाए आपसे कुछ।
बिल्कुल. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन. ओके ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद दिस स्लाइड. आई हैव प्रिपेयर्ड अ वेरी स्मॉल स्लाइड. यहां से हम कोई शुरू इशू करते नहीं, हैं. कोई इशू नहीं, कोई इशू। ठीक है, तो इन माय ऑब्जर्वेशन मैंने ये पाया कि स्टॉक्स जो हैं उनका एक उनकी चाल का एक सर्टेन तरीका है, राइट? सो या तो वो रेंज, या तो एक रेंज में रहते हैं, या उस रेंज से निकल करके मूव देते हैं, फिर वो एक रेंज में चले जाते हैं, और फिर उस रेंज का एक्सपेंशन होता है. सो या तो रेंज एक्सपेंशन हो रहा होता है, या रेंज कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है, 100% एग्री। राइट? नाउ दिस, ये जो रेंज एक्सपेंशन है, ये दोनों तरफ हो सकता है. या तो रेंज जो है वो ब्रेकआउट करके ऊपर भी जा सकती है, या फिर इट कैन ब्रेक द रेंज ऑन द डाउन साइड और ये नीचे आ सकता कुछ भी है. ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन इज सिम ऑलमोस्ट लाइक कैन बी सिमिलर. वी कैन सी इट ऑन द चार्ट. लाइक इफ यू ओपन लेट से एनी चार्ट, दिस वॉज माई रिसेंट ट्रेड कोचिंग शॉप. सो लेट्स टेक दिस. सो इफ यू सी, इफ यू सी दैट इधर स्टॉक इज इन अ रेंज, और इफ इट कम्स आउट ऑफ द रेंज इट एक्सपेंड लाइक दिस, एक्सपेंशन राइट? देन अगेन आई नोटिस दैट ये एक रेंज में गया, सॉरी, फिर यहां से एक एक्सपेंशन आया. एक्सपेंशन आप अब आप चाहें तो इसको किसी भी चार्ट पे, एनी स्टॉक, कोई भी स्टॉक लें, यू कैन वेरीफाई इट योरसेल्फ कि कब कब जो है स्टॉक रेंज में जा रहा है, और फिर वहां से एक्सपेंशन हो रहा है. एज अ स्विंग ट्रेडर मेरा काम है, मुझे एक्सपेंशन चाहिए. आई वॉन्ट टू स्पेक्यूलेट कि कब रेंज से बाहर निकल के स्टॉक्स एक्सपेंड करेगा, मुझे उस एक्सपेंशन में पार्टिसिपेट करना. दिस इज माय मोटो. सो तो ये पहली चीज थी जो मेरे को समझने में, जो मुझे स्विंग ट्रेडिंग में हेल्प की. क्योंकि ही अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा. इफ आई गो टू द नेक्स्ट स्लाइड हियर, राइट, दीज आर सम क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे एक बेहतर ट्रेडर बनने में. सबसे पहले इज हु एम आई, एम आई एन इन्वेस्टर और अ ट्रेडर? ये माइंडसेट बहुत जरूरी है क्लियर करना. मुझे क्लियर था मुझे ट्रेड करना है. आई एम नॉट अ वैल्यू बायर कि स्टॉक कितने के पी पे है तो मुझे उसको लेना है. सो इट्स नॉट अ वैल्यू बायर, मुझे ट्रेडर बनना था. सो दिस इज परफेक्ट फॉर अ ट्रेडर. इफ यू आर अ ट्रेडर यू नीड रेंज एक्सपेंशंस एंड यू नीड टू ट्रेड देम ऑल्सो. सो इज इट क्लियर? इट एक्सपेंड्स देन गोज ऑन द ग्राउंड. या If I say this is also a range, a small range, then it expands on the downside, लोअर सेटिंग right? On the lower side. Now, अब जो मेरा next observation है वो ये था, and I also like heard it and learned it, but I observed it myself, I checked it myself कि भाई जो range expansion हो रही है, ठीक है, उसकी अवधि क्या है, समय का टाइम फ्रेम क्या है, वो कितने समय तक एक्सपैंड करता है, और जब वो एक्सपैंड करता है तो कितना मूव करता है, ठीक है, ऑन एन एवरेज. तो इफ यू सी, एक बार में आप किसी भी स्टॉक को लीजिए, 5-6 दिन के एक्सपेंशन के बाद, 5-6 दिन के एक्सपेंशन के बाद ये एक पॉज लेता है, कंसोलिडेशन हो जाता है. नॉर्मली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सेप्शनल केसेस, बट नॉर्मली अगर 5-6 दिन का मूव हो गया है तो फिर ये एक पॉज लेगा, और फिर शायद ये फिर से कंटिन्यू करे. लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि स्टॉक 5-6 दिन अगर मूव कर गया है तो फिर उसको समय चाहिए थोड़ा वापस से मूव करने के लिए, दोबारा एक लैग और ऊपर जाने के लिए. तो
ये एक सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लर्निंग थी मेरे लिए, क्योंकि अर्लियर जब कैश ट्रेडिंग में भी जब मैं आया तो मैं ब्रेकआउट्स बाय कर रहा था। वो ब्रेकआउट्स कैसे होते थे कि इस लेवल को तोड़ा तब मैंने बाय किया, राइट? सो आई मिस दिस कैंडल, या फिर बहुत ऊपर पे मैं बाय कर रहा था बाद में, ब्रेकआउट हो जाने के बाद। तो फिर इस चीज ने, इस ऑब्जर्वेशन ने मैं मुझे ना एक्सटेंडेड स्टॉक्स फिर मैं नहीं खरीद रहा था, जब मेरा मुझे ये लगा कि अगर 3 से 4 5 दिन का ही मूव है, उसमें से 1 2 दिन निकल ही गया है, तो फिर मैं उस सेटअप को अवॉइड करता। जैसे ये वाला सेटअप है, अगर ये टाइड भी होता 2 दिन, तो फिर क्योंकि ये 3 4 5 दिन पहले ही मूव कर चुका है, तो फिर आई वुड हैव अवॉइडेड इट। दैट्स द सेकेंड थिंग टॉकिंग अबाउट ऑब्जर्वेशन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, रेंज एक्सपेंशन एंड रेंज कॉन्ट्रेक्शन। वी आर डन विद दैट। दीज क्वेश्चंस, हु एम आई, आई एम एन इन्वेस्टर और ट्रेडर, एंड व्हाट इज माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस ट्रेड, एंड हाउ मच आई एम रेडी टू रिस्क, दीज आर सम क्वेश्चंस जो हमें ट्रेड में जाने से पहले ही आंसर कर देना चाहिए, राइट? कि मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस ट्रेड से। लाइक आई ट्रेडेड दिस, सो आई विल टेक ये वाला एग्जाम्पल, मैंने इसे ट्रेड किया है। देखिए, स्ट्रेटजी पे भी थोड़ी बात करते हैं कि अब मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी है, मैंने डिसाइड कर लिया है मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो कौन से स्टॉक्स हैं जो मैं ट्रेड करूंगा, कैसे फाइंड आउट करूंगा स्टॉक्स? तो सबसे पहली चीज जो है, एज अ स्विंग ट्रेडर आई नीड इज अ स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, अ बाइंग फोर्स इन द स्टॉक। सो इफ यू सी फॉर्च्यून चार्ट फ्रॉम 447 टू 935, एंड इट इज फ्रॉम अक्टूबर 25 टू जनवरी, अराउंड अबाउट 3 4 मंथ्स, इन अ स्पैन ऑफ 3 4 मंथ्स स्टॉक इज डबल्ड। दिस इज इंटरेस्टिंग बिकॉज देर आर बायर्स इन द स्टॉक, सो दिस कम्स इनटू माय स्कैन। स्कैन्स मैं आगे जाके बात करूंगा, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, 100% ऊपर आ गया। नाउ व्हाट आई डू, ये मेरी वॉच लिस्ट में है, आई विल कीप लुकिंग एट इट। अब मुझे चाहिए कि ये कंसोलिडेट करें, राइट? इसमें एक कंसोलिडेशन हो, इस तरह से रेस्ट पीरियड जिसको हम कहते हैं। और ये जो मेरे चार्ट पे मूविंग एवरेजेस हैं, एक 20 सिंपल मूविंग एवरेज है, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, एंड 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज। सो आफ्टर दिस अप मूव, जब स्टॉक करेक्ट करता है और वापस से अपने मूविंग एवरेजेस को क्लेम करता है, तब ये मेरी रडार में आ जाए। अब लाइक दिस डे, अब ये यहां है, इन दिनों मैं इसको अपनी फोकस वॉचलिस्ट में ऐड करके रखूंगा। एनी इनसाइड बार और अ टाइट डे अगर मुझे मिलता है, जैसे इफ यू सी ये स्टॉक यहां से आया, करेक्ट किया, यहां से फिर बाइंग आई, और स्ट्रॉन्ग बाइंग है, राइट? ऑन गुड वॉल्यूम्स, बिग बार्स। नाउ अभी बहुत सारे लोग होंगे जो इसमें इंटरेस्टेड होंगे, अगर आप इन कैंडल्स का प्राइस एक्शन देखें तो यहां पे भी टाइट डेज है, ये 2 दिन के बाद इट इज एन इनसाइड बार, और यहां से इफ इट ब्रेक्स आउट यू कैन बाय, इट्स अ गुड सेटअप। सो इस रेंज को इफ यू प्ले, इट्स अ गुड सेटअप, बट व्हाट इट डज इज इट हिट्स पीपल आउट। नाउ इट बिकम, यहाँ पे जो लोग जिन्होंने बाय किया, वो लोग यहाँ आते आते 3 4 दिन में दे आर मे बी टायर्ड, दैट कुछ लोग बाहर भी हो गए होंगे। सो ये सेटअप नाउ बिकम्स इवन मोर इंटरेस्टिंग फॉर मी, क्योंकि यहाँ पे एक इनसाइड बार दिया है, इसने मूविंग एवरेजेस को ब्रीच नहीं किया, नेक्स्ट डे इट इज गिविंग अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट इज नथिंग बट जब स्टॉक, जिस स्टॉक का जो प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस है, अगर स्टॉक उससे नेक्स्ट डे ऊपर पे ओपन हो रहा है, तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, राइट?
तो यहाँ पे आई टुक एन एंट्री. नाउ टॉकिंग अबाउट द एक्सपेक्टेशन, जो मैं कह रहा था कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है ट्रेड से. सो अंकुर जी, मैं जो ट्रेड करता हूँ वो मोस्टली दो सेटअप्स ही ट्रेड करता हूँ. पहला सेटअप है बिग बेस ब्रेकआउट. ओके एंड व्हेन आई से अ बिग बेस, एक ऐसा बेस जो 1 महीने से ऊपर का कंसोलिडेशन के बाद बना है, राइट? लाइक इन दिस केस, यहां से करेक्शन शुरू हुआ 31 जनवरी से, करेक्शन शुरू हुआ, वापस से जो है स्टॉक सेटअप हो रहा है मार्च में जाके, 27th of March, ऑलमोस्ट 2 months. नाउ दिस इज अ बिग बेस फॉर मी. अगर मैं बिग बेस ट्रेड कर रहा हूं तो मैं एक बड़ा मूवमेंट कैप्चर करने का कोशिश करूंगा. सो व्हेन आई से माय एक्सपेक्टेशन, आई एम एक्सपेक्टिंग नॉट जस्ट 10-15% फ्रॉम दिस स्टॉक. नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग अ बिग मूव. सो आई एम रेडी टू होल्ड इट फॉर लॉन्गर टाइम. थोड़ा लंबी अवधि के लिए मैं ट्रेड करूंगा. जनरली जैसे मैंने कहा था कि मेरी ऑब्जर्वेशन में कि कोई भी एक्सपेंशन है वो 3 से 5 दिन तक रहता है, तो मेरी जो होल्डिंग का पीरियड है वो भी 3 से 5 दिन रहना चाहिए, क्योंकि मुझे एक्सपेंशन ही ट्रेड करना. लेकिन अगर वो बड़े बेस से बाहर निकल रहा है स्टॉक, एक इतना बड़ा बेस है जो 2 महीने का बेस है, अगर इससे बाहर जाता है तो मैं फिर इसको लंबा होल्ड करना चाहूंगा. तो मैंने यहां पे कोचिंग शिप में एंट्री लिया और कुछ क्वांटिटी. अब देखिए, इन नेक्स्ट लेट्स सी हाउ इट मूव्ड. मेरा एंट्री ये ना, लेट मी सी इफ आई गो टू ट्विटर, यहां पे होगा ये कि मैंने इसको मैनेज कैसे किया. मैनेजमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सो जस्ट अ सेकेंड. Here is the trade. कोचिंग शिप 893 पे मैंने लिया एंड वाज आई थिंक इन द फर्स्ट मिनट, राइट? एंड आई सोल्ड सम ऑन दिस डे. नाउ आई थिंक अराउंड 50% आई सोल्ड ऑन दिस डे. इफ यू सी ऑन 8th of April एट 11:48 आई सोल्ड सम हाफ हियर, राइट? सो नाउ दिस इज अ मूव ऑफ 29-30% 29%, इन 5 days. सो इफ आई एम गेटिंग एनीथिंग अबाउट 25% इन 3-4-5 days, आई वुड लाइक टू बुक हाफ. विद दिस वी आर टॉकिंग अबाउट बिग बेस ब्रेकआउट नाउ, राइट? I want to book 50%. So I booked 50% here. I have 50%. Now I would trail it with this 20 moving average or with any stop loss of this big candle, right? Now my trailing stop loss for the 50% is this candle or breach of 20 moving day average. Now stock फिर से consolidation में जाता है, जो कि जैसा कि basics है जिस तरह से स्टॉक्स मूव करते हैं. अब ये 30% चल गया है 5 दिन में, इसको कुछ रेस्ट चाहिए. ये रेस्ट में गया, इसने फिर से एक टाइट रेंज, ये फिर से एक टाइट रेंज में चला गया, इफ यू नोटिस, राइट? सॉरी, ये डू यू सी दिस? यस या और ये वाली जो इनसाइड बार है, आई ट्रेडेड दिस ऑन अबव द हाई ऑफ दिस, आई अगेन बॉट इट, और यहां से अगेन फॉर 3 days आई कैप्चर्ड दिस मूव. आई हैड द 50%, एडेड मोर अप टिल हियर, राइट? सो अगेन दिस इज अगेन
What percentage? If we calculate 21% or even more, 22, around 22% of move in 2 days. Right. Now, this is the second kind of setup which I trade. पहला बिग बेस ब्रेकआउट विच वी अंडरस्टूड यहां पे, दिस इज अ फ्लैग ब्रेकआउट फॉर मी। सो अगर मैं फ्लैग ब्रेकआउट कर रहा हूं तो मैं 3 to 5 days पे ही स्टिक रहूंगा। आई स्टिक टू 3 to 5 days वाला होल्डिंग पीरियड। अगर मुझे 3 to 5 days में अच्छा मूव मिलता है, अच्छा मूव, व्हेन आई से अच्छा मूव हो सकता है एनीवेयर बिटवीन 15 to 30%। अगर मुझे उतना मिलता है आई एम हैप्पी टू बुक। तो आई थिंक यहां पे मुझे 20-22-25%, मेजोरिटी ऑफ इट मैंने यहां पे बुक किया। 3 days में मुझे ठीक मिल रहा था, यहां बुक किया, और जो 20-25% बचा हुआ था उसको एज ट्रेलिंग अगेन विद दिस स्टॉप लॉस। फिर यहां पे एक बड़ा कैंडल बनता है, 2 दिन का टाइट रेंज। आई अगेन रिसेंटली, वेरी रिसेंटली आई अगेन अपडेटेड टू, दिस इज ऑन 17th मई, या 17 मई को यहां पे आई अगेन बॉट इट। सो डू यू सी वन स्टॉक ऑफरिंग टू मेनी एंट्रीज मल्टीपल ऑन, अपॉर्चुनिटीज है ना, और वो बराबर उतना मूव दे रहे हैं। अब ये 2 दिन, अब ये अभी भी पड़ा हुआ है मेरे पास। यहां पे मैंने कुछ लिया था 1366 के आसपास, इफ आई टू बी प्रिसाइज, यस 1366 यहाँ पे मेरा इसका बाइंग है, और अभी 1484 है और अभी भी ये मेरे पास है। नाउ लेट्स सी अगेन, अगर ये दो अगले एक आध दिन में, 1-2 दिन में अगर ये 15-20% का मूव करता है, आई एम हैप्पी टू बुक अगेन द मेजोरिटी, द मेजर चंक एंड टेक सम प्रॉफिट्स ऑफ। तो दो चीजें हो गई, राइट? फर्स्ट इज, लेट मी राइट इट हियर, बिग बेस ब्रेकआउट एंड फ्लैग ब्रेकआउट। अगर बिग बेस ब्रेकआउट है तो फ्लैग ब्रेकआउट के रूल्स भी आई वुड कीप ट्रेडिंग इन दैट, एंड सम आई विल कीप दैट सम अमाउंट ऑफ शेयर्स जिसको मैं कंटिन्यू करूंगा यहां से लेकर के बाय द टाइम इट गोज अप, जब तक ये चलता जाता है। सो दिस इज बेसिकली मोर और लेस व्हाट आई एम ट्रेडिंग। वी कैन लाइक, या वी कैन सी इट ऑन अदर नेम्स लाइक IRFC, इट्स एन ओल्ड ट्रेड। ये भी होगी मेरे ट्विटर अकाउंट पे। आई एम नॉट टू एक्टिव ऑन ट्विटर क्योंकि मैं जॉब में भी हूँ, जॉब भी करता हूँ साथ में, तो नॉट नेसेसरली अपडेटिंग सारा जो ट्रेड है जो भी मैं ले रहा हूँ वो सारा हो सकता है ना ट्विटर पे हो। सो अगेन द सेम, देखिए बाइंग फोर्स जस्ट इन 30 days और 30-35 days स्टॉक इज अप 170%, राइट? फिर ये करेक्शन में जाता है, अपने मूविंग एवरेजेस को ब्रीच करता है और दोबारा क्लेम करता है यहां कहीं, राइट? यहां ये मेरी नजर में आता है एंड आई थिंक इस दिन, इफ आई रिमेम्बर, यहां की मेरी बाइंग है IRFC, यहां पे आई बॉट इट। सेम लॉजिक, लेट मी हाइड द इंडिकेटर्स। जहां पिछले दिन क्लोज हुआ वहां से ऊपर ओपन हुआ, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है। जैसे ही ओपन हुआ इसने प्रीवियस डे हाई को ब्रीच किया ऊपर की तरफ एंड आई एंटर्ड, राइट? लेट मी सी फिंस देयर, 1st of December 2023, 75.70। सो दिस इज योर 1st of December, बॉट इट हियर, इट डिड नथिंग फॉर 2-3 days। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर मैं बिग बेस वाला ब्रेकआउट ट्रेड कर या स्पेकुलेट कर रहा हूं या मैं उसको ट्रेड कर रहा हूं तो मैं स्टॉक को टाइम दूंगा, फिर मैं 3-4 दिन 5 दिन में बुक करने की कोशिश नहीं करूंगा या मैं बुक करने का मोटिव नहीं रखूंगा, मैं टाइम दूंगा। तो इसने ब्रेकआउट किया अगेन, आई थिंक मैंने कुछ यहां सेल किया एज इट वाज ऑलरेडी अप 25-30%, लेट्स सी
ऊपर था, यहाँ कहीं पे, या आई डोंट रियली रिमेम्बर, और वो अपडेटेड भी नहीं है, बट ऑन अ मूव ऑफ अराउंड 30% आई बुक्ड हाफ, एंड दैट हाफ, द अदर हाफ कंटिन्यूड एंड इट अगेन स्टार्टेड सेटिंग अप यहाँ पे। ओके, निश्चित जी, विथ योर डे जॉब, आपके जॉब के साथ आप कैसे मैनेज करते हो? लाइक आप मार्केट को चेक करते रहते हो डे टाइम में, या फिर आपका स्कैनिंग कैसे रहता है? लाइक कैसे आप स्टॉक पिक करते हो और कैसे एंट्री रहता है? क्योंकि मेनली जो मोस्टली जो जॉब के साथ ट्रेड करते हैं उनका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि भाई कैसे करना है, क्योंकि आप अपने काम में बिजी हो और स्टॉक को फिर कैसे बाय करते हो. तो हाउ लाइक आपकी एंट्री कैसे रहती है और आपके जॉब पे क्या अलाउड है मार्केट देखना या फोन यूज करना? क्योंकि कभी कभी ऐसे भी कोई केसेस है कि जहाँ पे फोन यूज करना भी अलाउड नहीं, तो वो भी विथ डे जॉब कैसे मैनेज कर सकते हैं? अगेन इट्स अ नाइस क्वेश्चन। तो जॉब के साथ सी क्या होता है कि मैं स्कैनिंग का जितना भी काम है वो डे टाइम में करना ही नहीं है, जो भी एनालिसिस है इट इज बिफोर द ट्रेडिंग डे। तो या तो मैं एवरी इवनिंग जब मैं अपना जॉब का काम खत्म करके बैठा हूं तो रात में आई गो फॉर स्कैनिंग, आई स्कैन द स्टॉक्स और वहां पे मैं सेटअप्स ढूंढता हूँ। अगर सेटअप्स मिल रहे हैं तो आई एड इन लाइक एड दम इन द वॉच लिस्ट और फिर वो वॉच लिस्ट मेरी रेडी है। मेरा जो सेटअप का एनालिसिस है वो एक दिन पहले ही हो चुका है। मैं सुबह दिन में बैठ के स्क्रीनिंग नहीं करूंगा ट्रेडिंग आवर्स में। सो आई नो अगर कल मुझे, जैसे फॉर एग्जाम्पल 30th नवंबर मुझे पता था कि अगर मुझे इसमें स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मिलता है तो आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट, राइट? तो एक एक दिन पहले ही वो सेटअप सिलेक्शन होके वॉच लिस्ट में चला जाता है। नेक्स्ट डे आई जस्ट हैव टू पुट प्लेस अ बाय ट्रिगर अबाउट 75.50, तो ठीक वही पूछ है? रहा हूँ कि यू तो पुट योर जीटीटी ऑर्डर कैसे आप फिर, क्योंकि आप अगर आप अपने ऑफिस पे जा रहे हो या ऑफिस में बिजनेस से कि 30 नवंबर को आपने डिसाइड कर लिया कि आईआरएफसी आप कल बाई करोगे, तो हाउ विल यू बाई, आपका बाय ऑर्डर कैसे होगा इसके अंदर? तो ये दोनों तरीके हैं। मैं कभी कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं जीटीटी प्लेस कर देता हूँ ओके, अबाउट 75.50, तो अगर इफ इट ट्रिगर्स तो वो बाय हो जाएगा। और माय ऑफिस, मेरा जो ऑफिस का टाइमिंग है वो जो शिफ्ट टाइमिंग्स है वो वैरी करते हैं बिकॉज इट्स अ मल्टीनेशनल कंपनी एंड इट्स एन ओवरसीज कंपनी फॉर विच आई एम वर्किंग। तो सुबह में 1 घंटा फ्रॉम 9 to 10 आई कैन एलोकेट टू ट्रेडिंग। तो जब मेरे पास वो 1 घंटा होता है तो उसमें मैं मैनुअली भी आई पंच द ऑर्डर्स, मैंने देखा यस स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है, फर्स्ट फ्यू मिनट्स इट्स गोइंग अप एंड रीचिंग द हाइस, तो आई मैनुअली एंटर ऑलवेज ऑन लिमिट प्राइस, नॉट ऑन मार्केट प्राइस, सो ऑन लिमिट प्राइस आई एंटर एट लिमिट प्राइस। एंड देन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मैंने ट्रेड अंडर किया, नाउ अगर मैं एक दिन में अंकुश जी 2 से ज्यादा स्टॉक्स में नहीं काम करता, मोस्टली 2 ही होते हैं, वेरी रेयरली ऐसा होता है कि मैंने तीसरा कोई स्टॉक बाय किया एक ही दिन में। हाँ, तो अगर मुझे मेरे 2 स्टॉक्स मिल गए हैं पहले 1 घंटे में ही, तो फिर आई जस्ट कीप द फोन द सिस्टम अवे एंड गो ऑन माई ऑफिस सिस्टम, और मैं अपने ऑफिस के सिस्टम को ऑन करूंगा, अपना ऑफिस का काम करूंगा विदाउट लुकिंग मच एट द ट्रेड कि वो क्या कर रही है। इंट्रा डे तो पहले ही मेरे साथ बहुत हुआ, मैंने ट्रेड ली, ठीक है? अब ट्रेड लेते ही आई एम लुकिंग एट P&L और एंड आई एम लुकिंग एट इंट्रा डे चार्ट ऑफ 15 मिनट्स, राइट? अब स्टॉक इज मेकिंग दिस नेगेटिव कैंडल इन 15 मिनट, आई गेट दिस अर्ज इन माई सिस्टम कि भाई मैं ट्रेड कार्ड देता था। अब वो 15 मिनट चार्ट पे कंसोलिडेट कर रहा है, मैंने ट्रेड लिया है 1 डे चार्ट को देख के, मैं उसको कट कर रहा हूं, ठीक है? तो दैट्स व्हाई ये चीज मैंने ऐड किया था कि भाई आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका एक्सपेक्टेशन क्या है। तो इस इन क्वेश्चन से क्लैरिटी आ जाती है, आपको हर वक्त पता होता है कि आपने ट्रेड लिया क्यों था,
जब मुझे पता है कि मैंने 3 से 5 दिन के लिए लिया है, राइट, और ऐसा नहीं है कि मैं पहले नहीं काटूंगा, अगर वो बहुत ही नेगेटिव रिएक्शन देगा, अगर मेरा जो स्टॉप लॉस सेट कर रहा है, तब तो एनीवेज आई एम आउट। बट वो इंटरफेरेंस जो है, माइक्रो मैनेजमेंट जो है, वो इन क्वेश्चन से बच जाता है। इफ यू नो आई एम एक्सपेक्टिंग, मुझे पता है अगर फ्लैग ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा हूं, मुझे 15 से 20% का या 25% का एक्सपेक्टेशन है 3 4 दिन में, ठीक है, आई नो इट, तो सेकेंड डे पे काटने का अर्ज क्यों, मतलब ही नहीं है सेकेंड डे पे उसको उसका चार्ट देखने का। मतलब बनता है तब जब वो एक बड़ा रिजेक्शन कैंडल अगर फॉर्म कर रहा है तो यस कॉस, लेकिन अगर ऐसा ऐसा एक कैंडल है, समझिए ऐसा एक कैंडल क्रिएट कर, इट इज नॉट मच ऑफ अ वरी, ठीक है, कोई बात नहीं, अगले दिन अगर तीसरे दिन भी ये नीचे आएगा तो मैं इसको नीचे पे काट दूंगा। यही होगा कि मेरा प्रॉफिट 15-20% का जो एवरेज टारगेट है वो नहीं अचीव होगा, तो कोई बात नहीं, राइट, जब तो आपकी एंट्री हो जाए, यू नो लाइक जब आपकी एंट्री हो गई, लाइक एज यू सेड के 9 से 10 बजे तक आप टाइम अलोकेट करते हो, क्या कभी ऐसा होता है कि यू गेट दैट अर्ज के भाई जाके चेक कर लो कि क्या कर रहा है मेरा स्टॉक, ऐसा कभी होता है? क्योंकि ये मैंने सुना है कि जो मोस्टली जॉब से ट्रेड करते हैं उनका ये प्रॉब्लम कि भाई सर मैं ट्रेड ले लिया लेकिन बाद में ये मन में रहता है ना कि भाई जाके देखूँ कि क्या मेरा स्टॉक जो मैंने सुबह बाय किया था वो क्या कर रहा है, ऊपर गया नीचे गया, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? यस डेफिनेटली, और पहले तो बहुत ज्यादा होता था, अब थोड़ा कम हो गया, नाउ आई एम नॉट चेकिंग इट एवरी 15 मिनट्स हाफ एन आवर, तो ऐसा नहीं है अब। मैंने ट्रेड लिया, 1-2 घंटे बाद जाके मैं आई वुड सी कि व्हाट इज गोइंग ऑन, दैट टू मैंने अब कैसा किया है, पहले मैं पीएनएल जाके देखता था कि स्टॉक ब्रोकर जो है मेरा, वो जाके मैं चेक करता था कितना प्रॉफिट चल रहा है, क्या हो रहा है, अब मैं सिर्फ एक चार्ट देख लेता हूँ जाके, उसको ट्रेडिंग व्यू में सेव करता हूँ, मेरे मोबाइल में एप्लीकेशन है, मैं ट्रेडिंग व्यू में जाके देखता हूँ कि क्या चल रहा है यहाँ पे, आई डोंट सी कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, और यू नो अगेन टू अवॉइड द माइक्रो मैनेजमेंट, तो मैं वो देखता हूँ कि स्टॉक व्हाट इज डूइंग, व्हाट इज इट डूइंग, इट्स डूइंग गुड, आई विल अगेन कीप इट अवे एंड स्टार्ट वर्किंग। तो यस अभी भी मैं देखता हूँ, बट जस्ट फ्यू टाइम्स, लाइक 1-2 टाइम्स और मैक्स, क्योंकि क्लोजिंग पे तो देखना ही है, एट 3:30 आई वॉन्ट टू सी, सो अराउंड 3:15 to 3:20 वाला टाइम आई हैव अ लुक वेदर इट इज गिविंग अ गुड क्लोज और एवरेज क्लोज और अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, हाउ इट इज क्लोजिंग, बीच में उतना नहीं मैं देखता। एंड हाउ यू डील, जैसे कि कभी कभी ऐसा होगा ना, नॉट ऑल द टाइम, बट आपने ट्रेड ले लिया, जैसे कि यू आर इन द ट्रेड और आप चेक नहीं कर रहे, और कभी मार्केट में एक पुल बैक आ गया या एक अच्छा खासा सेल ऑफ आ गया, तो आप जो प्रॉफिट बना रहे थे उससे काफी कम, जैसे कि आपका कोई स्टॉक 15% ऊपर था, कभी कभी आपको 6% पे भी बुक करना पड़ा या एग्जिट करना पड़ा, हाउ यू टैकल विद दिस सिचुएशन? तो दैट फॉर ऐसी सिचुएशन के लिए अलर्ट्स हमारे पास है, तो देखिए अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, मैं भूल जाता ये बताना, सपोज मैंने किसी दिन लिया, सपोज मेरी बाइंग इस दिन की, नाउ स्टॉक इज कंसिडरेबली अप इन फर्स्ट 2 आवर्स, मैं 1 घंटे बाद आया, 1.5 घंटे बाद आया, 2 घंटे बाद आया, मैंने देखा स्टॉक अच्छा 5-6% चला गया, तो फिर मैं उसके कैंडल के 50% पे एक अलर्ट डाल दूंगा ट्रेडिंग व्यू में, ओके, गुड वन. या कि अगर इस कैंडल का 50% से नीचे जा रहा है स्टॉक, तो मैं आई वांट टू हैव अ लुक कि भाई क्या हो रहा है, तो जो भी कैंडल फॉर्म किया होगा इन द बिगनिंग 6-7-8% का, नाउ आई वांट टू हैव अ लुक, देन इट, फिर जरूरी नहीं है कि मैं उसको वहां पे कट कर दूंगा पोजिशन को, बट देन आई विल अगेन सेट अप एन अलर्ट ऑन द लोअर पार्ट, लाइक समवेयर एट माई बाइंग लेवल, अगर वो मेरे बाइंग लेवल को भी ब्रीच कर रहा है 6-7% ऊपर जाने के लिए, तो शायद मैं थोड़ा एक्सपोजर कम करूं या फिर मैं पोजिशन काट दूं, दैट डिपेंड्स ऑन द सेटअप एंड ऑन द मार्केट कंडीशंस। सो मैं यही कह रहा था कि ये जो बिग बेस ब्रेकआउट्स हैं, राइट, दे गिव अ बिग बिग मूव विच वी कैन कैप्चर इन अ कैप्चर लाइक आई शुड इन कोच एंड शिप लाइक इन IRFC। ओके, राइट, देर इज वन मोर स्टॉक आई ट्रेडेड, इट वॉज एज फार एज आई रिमेम्बर टाटा इन्वेस्ट, राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट एलोकेशन अ बिट हियर, आई हैव द मार्क, राइट,
So if I pick it up again, stock in an uptrend, right? But until here, I see the uptrend of this much. It was an uptrend. My buying was, sorry, yeah. So stock was not doing anything for a long time. Yeah, it was a big range. Suddenly, we see an expansion, this one. Do you see my line? तो यहां पे एक्सपैंड करता है, गोज अप अराउंड 40-45% ऑन गुड वॉल्यूम्स. यहां पे वॉल्यूम्स आने लगे हैं अच्छे, ठीक है. तो ये मेरे स्कैन में आया, इसने करेक्शन दिया, इसने फिर अपने 20 मूविंग एवरेज को क्लेम किया. यहां ये मेरी रडार पे, इन दिनों मैं इसको ट्रैक कर रहा हूं. एंड जैसे मैंने शुरू में कहा था कि जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, इट्स एन अक्यूमुलेशन, बहुत सारे लोगों से सीख के समझ के, इट्स एन अक्यूमुलेशन. तो ये रहा सर आपका लेट स्टेज इनसाइड बार, जिस तो ये मैंने आपसे सीखा और आपके चैनल से सीखा. यहाँ पे मैं, ये अब मेरे रडार में है. अगर ये मुझे एक दिन, अगर ये मुझे टाइटनेस देता है, आई नीड अ टाइट कैंडल, एक स्मॉल रेंज देता है विच इट गेव. यहाँ पे ये एक छोटी कैंडल बनी, एक इनसाइड बार बना, विच ये मैं सीखा आप ही के वीडियो से, जहां पे आप अपने लेट स्टेज इनसाइड बार के आपने काफी वीडियोस किए हैं, उसका स्कैन भी आपने दिया है, विच आई रेगुलरली यूज. तो इस कैंडल के हाई पे, नॉट इवन हाई, आई थिंक जैसे ही आप अगर इस कैंडल को देखेंगे, तो यहाँ पे एक छोटा सा विक है, बहुत छोटा, नीचे की तरफ, ठीक है. ये नीचे गया लेकिन इमिडिएटली ऊपर जाने लगा. तो आई थिंक आई स्टार्टेड बाइंग इट अराउंड 32-80 के आसपास, जहाँ कहीं मैंने इसको बाय, मैंने डे हाई ब्रेक करने का वेट भी नहीं किया, बिकॉज ये एक छोटा कैंडल था. और शायद मैंने डे हाई पे और ऐड किया हो, आई डोंट रिमेम्बर, लेट मी सी अगर ये ट्रेड भी अवेलेबल है. यस, 17th ऑफ नवंबर 3280 पे 2% के एसएल के साथ मैंने इसको बाय किया, छोटे एसएल के साथ, क्योंकि बहुत टाइट हो गया था यहाँ पे, ठीक है. और मेरा जो एसएल है वो जनरली यही होता है, इट्स 2%, 3% और 1%, और वो डिपेंड करता है सेटअप कैसा है और मेरी एंट्री कैसी है, ठीक है. तो यहाँ मुझे ठीक एंट्री मिली, मैंने 2% का स्टॉप लॉस रखा. यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सपोजर के बारे में भी बात करता हूँ, ठीक है. तो एक्सपोजर के लिए अंकुर जी, मैं क्या करता हूँ कि अगर मेरे कुछ ट्रेड्स जो हैं, पहले जो पिछले कुछ ट्रेड्स हैं, अगर वो अच्छा कर रहे हैं और मुझे उनसे प्रॉफिट मिला है पिछले कुछ ट्रेड से, तो आई वॉन्ट टू गो बिग इन साइज. प्लस अगर मुझे, दो तरह से एक्सपोजर की बात की जाती है, कहीं लोग जो हैं वो कहते हैं कि प्रोग्रेसिव एक्सपोजर होना चाहिए, ऑन द वे अप यू की आप ऐड कर रहे हैं स्टॉक को, वो भी सही है, वो भी मैं करता हूं, लेकिन वो कब करता हूं वो मैं आपको बताऊंगा. अगर मैं इतना बड़ा बेस का ब्रेकआउट में अगर ट्रेड कर रहा हूं, तो फिर मैं अच्छे साइज से जाना चाहता हूं, क्योंकि क्योंकि ये एक बड़ा मूव है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी. अगर एक बड़े मूव की अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इसको साइज करते हैं, तो जो पोर्टफोलियो पे आपके इंपैक्ट आएगा वो भी बड़ा होगा, वो अच्छा होगा, ठीक है. यू विल गेट गुड गेन्स, राइट. तो देखिए, यहाँ पे मैंने इसको साइज किया, आई थिंक मैं 20-25% मैंने इसको साइज किया था ऑफ माय अकाउंट साइज. एंड इन नेक्स्ट 3 डेज इट इज अप, आई थिंक 40% अराउंड, यहां तक इट वाज अप 40-42%. सो दो चीजें यहाँ पे मैं नहीं बात करूँ. पहला तो एक्सपोजर मैंने अच्छा रखा, बिकॉज कपल ऑफ ट्रेड्स वर्क वेल फॉर मी, मार्केट वाज डूइंग वेल एट दिस टाइम, एटलीस्ट फॉर मी आई वाज डूइंग गुड, तो मैंने इसको अच्छा साइज किया. अगर मुझे 3 दिन में ही, 3 से 4 दिन में ही, अगर जो मूव है वो मुझे 30-40% से भी ऊपर का मूव मिलता है, 30-40% का भी मूव मिलता है, आई वॉन्ट टू बुक मेजोरिटी ऑफ माई
उसका रीजन है क्योंकि ये इतना तेज चला गया है, 40% अगर 30 3 दिन में ही चला गया है तो ये एक यूजुअल से बड़ा मूव है। जनरली इट्स 20 लाइक 15 20% मैक्स 25%, अगर उससे भी ऊपर जा रहा है तो ये मूव जो है वो जनरल मूव से ऑलरेडी आपको जो आपका जो आपने सोचा था कि इस बड़े बेस को मैं बड़ा मूव कैप्चर करूंगा, इट इज ऑलरेडी अ बड़ा मूव इन इटसेल्फ। फॉर अ स्विंग ट्रेडर ये बड़ा मूव ही है, राइट? सो आई सोल्ड अराउंड 75% और 75 to 80% हियर ऑन दिस डे एंड कैप्ट दैट 20% जस्ट फॉर ट्रैकिंग इट, क्योंकि एक बड़े बेस से बाहर आ रहा था तो मैंने वो 20% रखा। ठीक है, इट इज देयर विद मी नाउ। स्टॉक गोज इन टू कंसोलिडेशन अगेन जो कि नेचुरल है, राइट? आई वॉन्ट, अब देखिए ये वाली जो कैंडल है इस कैंडल पे इट थ्रू आउट, ये इट शेकन आउट पीपल, ओके 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच कर दिया इसने, लेकिन आने वाले दिनों में कोई भी फॉलो अप सेलिंग नहीं आई और वापस अपने 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक आ गया है। अगेन बिकॉज आई एम सीइंग इट एवरी डे, हियर कम्स द टाइम नाउ लेट मी शो यू। आई थिंक समवेयर हियर हियर इज माई सेकेंड एंट्री ऑन दिस, ऑन द ब्रेकआउट ऑफ द स्मॉल रेंज। ओके, आई हैव वन क्वेश्चन. क्यों इसके पहले भी तो एक ये कैंडल, एक एक्सपांशन छोटा सा ही है, इफ यू कैन सी आफ्टर, उससे दिस पहले जो ग्रीन कैंडल, नहीं उसके पहले, हाँ वो, व्हाई नॉट देयर? क्योंकि वहां पे भी तो सेटअप अच्छा बन सकता, व्हाई नॉट देयर? यस आई आई कुड हैव ट्रेडेड इट देयर एंड डेफिनेटली इट हैपेंस विद मी। लाइक फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई डिड नॉट ट्रेड इट, प्रोबेबली आई डोंट नो द रीजन, प्रोबेबली आई वाज ऑक्यूपाइड और स्टक और नॉट श्योर, शायद मैं बिजी रहा होगा या मैंने देखा भी होगा, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि क्या हुआ था, बट ऐसा होता है कि इट्स अ गुड सेटअप। अगर शायद अगर मैं एक्टिव होता तो मैं यहाँ लेता, नो डाउट अबाउट दैट, इट्स अ वैलिड सेटअप। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर मैं स्टॉक को यहां देख रहा हूं यहां पे तो, और अगर मैं अवेलेबल हूं तो देर इज नो चांस दैट आई वॉन्ट टू मिस इट, क्योंकि यहां पे इट गिव एन एंट्री, यहां लोगों को फिर इसने बाहर इस कर दिया. कैंडल के लो को ब्रीच किया, फिर बाहर किया, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आया और यहां टाइट हो। आई डोंट वॉन्ट टू मिस इट एट एनी कॉस्ट, क्योंकि अब यहाँ पे लोग कम होंगे जो जो सेलिंग लेके आएंगे या जो स्टॉक को बीच बीच में सेल करेंगे, तो जो अगर अब ये ब्रेकआउट करता है तो द मूव विल बी स्मूथ, ज्यादा स्मूथ होगा, इस तरह से नहीं करेगा। इसके मैं आपको और भी एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल और हैं शायद जो मैं आपको बताऊंगा, ऐसे कई सारे हैं कि अगर इस बेस में एक बार ऊपर जाता है फिर इफ दे आर शेकिंग आउट पीपल देन कमिंग अप एंड देन सेटिंग अप अगेन, सो आई वॉन्ट टू डेफिनेटली बाय इट। सो आई बॉट इट अराउंड 46 50 और समथिंग एंड अगेन इन 3 डेज इट्स अप 20 गुड 27 28 30%, राइट? सो नाउ आई वॉन्ट टू लाइक आई वॉन्ट टू टेक 50% एंड देन इट वेंट इन टू, सो आई बुक 50% ऑन दिस रिजेक्शन ऑफ प्रोबेबली समवेयर हियर, लेट मी स्टॉप दिस, सॉरी, एंड द रेस्ट ऑफ द 50% व्हेन इट वेंट इन टू 5% सर्किट लिमिट, आई थिंक ऑन वन ऑफ दोज अपर सर्किट्स आई गॉट आउट, आई डोंट वॉन्ट टू स्टे बिकॉज इट द 5% सर्किट, नीचे या इट कैन कम डाउन, सो इन वन ऑफ दोज सर्किट्स आई क्लोज द एंटायर ट्रेड एंड वाज आउट, राइट? क्योंकि वो 5% सर्किट में अगर नीचे आएगा तो वो निकलने नहीं दे, एग्जिट का मौका वो देगा. आप बाहर नहीं आ पाओ, तो जैसे ही वो 5% सर्किट लिमिट में गया मैं बाहर हो गया, राइट? ये मेरा रिसेंट ट्रेड है जो मैं कह रहा था कि ऐसा सेटअप मैं नहीं छोड़ना चाहता, वो मैं क्या कह रहा था। नाउ सी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा मैंने यहां भी ट्रेड किया है, यहां मैंने ट्रेड किया है, अगेन सेम लॉजिक, अप ट्रेंड, फिर इसमें इसमें करेक्शन आया,
ये सेटअप हो रहा था और इस कैंडल के ब्रेकआउट पे, इस रेंज के ब्रेकआउट पे आए, बॉट इट एंड एंजॉयड अ मूव ऑफ अराउंड 20% 3 to 5 days. फिर मैंने रिमेनिंग जैसे 50% पोजिशन रखा था वो यहाँ कहीं पे बाहर हो गया, तो फॉर 50% पे आई मेड 20-22% एंड देन दी अनदर 50% शायद वो कॉस्ट पे ही कट गया था या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट देन इट अगेन स्टार्टेड सेटिंग अप. अब जो मैं पहले कह रहा था, यहां कहीं पे भी जेएसडब्ल्यू इंफ्रा यहां कहीं पे आई वॉज अगेन स्टार्टेड बाइंग इट, और ये मेरा प्रोग्रेसिव अक्यूमुलेशन था क्योंकि मार्केट जो है वो करेक्शन के बाद ठीक हो ही रहा था, तो ये मेरा, ये कुछ मेरी इनिशियल ट्रेड्स थी, तो मैंने प्रोग्रेसिव एक्सपोजर चालू किया. इफ आई टेल यू यहाँ पे होगा कहीं ना कहीं, तो यू आर नॉट, आप वहां पे ब्रेकआउट ट्रेड नहीं देख रहे, यू आर लुकिंग टू बिल्ड अप अ पोजिशन, ठीक है, आई एम राइट? यस आई एम लुकिंग टू बिल्ड अप अ पोजिशन. सॉरी, आई थिंक दिस इज सी आई हैव बीन अक्यूमुलेटिंग जेएसडब्ल्यू इंफ्रा फॉर लास्ट फ्यू डेज, दीज डेज आई ओके एम स्पेक्यूलेटिंग अ मूव, सो आई एम जस्ट एडिंग स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज, राइट? सो सॉरी, हियर आई स्टार्टेड एडिंग सम एंड देन प्रोबेबली आई आउट ऑन दिस डे, राइट? इट थ्रू मी आउट बिग रेड कैंडल, सो आई डिडंट लूज मच बिकॉज एज यू नो एडिंग तो कॉस्ट के आसपास या बहुत थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा और मैं बाहर हो गया, लेकिन इसके बाद देखिए फिर से फॉलो अप सेलिंग नहीं है जबकि मार्केट सेल ऑफ में था इन दिनों, राइट? ऑन दिस रेड डे इफ यू सी निफ्टी 500 और एनी इंडेक्स, इट मेड अ डाउनसाइड रेड कैंडल, ठीक है, इंडेक्सेस, लेकिन इसने ये इसी रेंज में रहा और जैसे ही मार्केट थोड़ा रिकवर करने लगा इट स्टार्टेड शोइंग स्ट्रेंथ. तो आई थिंक मैंने फिर जो प्रोग्रेसिव एक्सपोजर की बात है मैंने फिर इसको यहां लिया ऑन दिस डे, सो ये भी मेरे ट्विटर पे होगा. लेट मी सी, 14th of May मैंने जेएसडब्ल्यू इंफ्रा ऐड किया एट 247.25, यहाँ पे 247.25 पे आई एडेड. फिर अब देखिए, अब आप इस सेटअप को देखेंगे तो इट इज समथिंग लिटिल सिमिलर टू टाटा इन्वेस्ट जो हमने देखा, एक बड़ा बड़ा बेस है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा शेकआउट हुआ फिर से आया फिर एक स्मॉल डे और यहाँ पे मैं आई एडेड मोर ऑन दिस डे, ये भी वहां पे अपडेट होगा मेरे ख्याल में, यहाँ पे आई एडेड मोर एट 363.5 एंड द स्टॉक इज अप. सो आई हैव टू एंट्रीज इन द स्टॉक, बिग बेस कमिंग आउट ऑफ बिग बेस ऑलमोस्ट ब्रेकिंग अप, इफ इट वर्क्स फाइन फॉर मी आई थिंक अगर एक अगले एक दो दिन में ये मुझे अच्छा मूव देता है तो मैं कुछ बुक करूंगा और ओके, बाकी कुछ फिर करते से कैरी करूंगा और फिर सेटअप होगा तो जो बेचा है वो फिर से खरीदूंगा. हैं। सो ये रिपीटेड एक प्रोसेस है जो मैं कर रहा हूँ मोस्टली ऑल सारे ही स्टॉक्स में जो भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ. वन वन मोर एग्जाम्पल आई रिमेम्बर, ये भी बहुत रिसेंट ट्रेड है, आई एम दिस वन, आई हैव टू एंट्रीज इन दिस, ओके राइट? कमिंग आउट ऑफ बिग बेस हियर, नाउ दिस इज नॉट अ स्मॉल कैंडल बट अगेन दिस इज समथिंग दैट, डू यू सी द स्ट्रॉन्ग स्टार्ट हियर, इट गैप्ड अप आफ्टर अर्निंग, सो दिस इज अन अर्निंग प्ले आई प्ले, बट बेस भी है, आई एम नॉट इग्नोरिंग द बेस, सो टू मेक श्योर दैट आई एम नॉट बाइंग एन एक्सटेंडेड स्टॉक, तो ये बेस से बाहर आया, इसने यहाँ पे स्मॉल डे दिया, छोटा इनसाइड बार दिया, तो मैंने और ऐड किया, अभी ये मेरे पास ये मेरा रनिंग ट्रेड है, चल रहा है, लेट्स सी हाउ इट गोज, सो दैट्स मोर और लेस व्हाट आई एम डूइंग. एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जब जैसे बताया कि ये अर्निंग पे गया, तो आप क्या फंडामेंटल्स देखते हैं कोई भी स्टॉक बाय करने से पहले? स्टॉक के क्या फंडामेंटल है, प्रॉफिट या अर्निंग या वो
वो सारी चीजें आप चेक करते हैं, या सिर्फ आपका जो डिसीजन होता है वो ओनली बेस्ड ऑन चार्ट रहता है? अगेन गुड क्वेश्चन, क्योंकि मैंने शुरू में व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैंने शुरू किया था तब मैं प्योरली टेक्निकल ट्रेड करता था। मैं फंडामेंटल्स, मुझे देखना, मुझे पता था बिकॉज आई एम कॉमर्स गाय, आई नो, बट शुरू में मैं सिर्फ प्योरली मैं टाइटनेस ही ट्रेड करता था। मैं कभी नहीं देखता था कंपनी के फंडामेंटल्स। बट रिसेंटली, वेरी रिसेंटली मैंने ये शुरू किया है कि मैं फंडामेंटल्स भी जाके देखता हूँ। उससे फर्क ये आया कि उससे कन्विक्शन बिल्ड हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर मुझे थोड़ा बहुत खराब दिखेगा और सेटअप अच्छा है तो मैं छोड़ दूंगा उसको। सो फंडामेंटल फॉर मी इज नॉट अ मस्ट, लेकिन वो एक कन्विक्शन ऐड करने के लिए इट्स एन एड ऑन। तो अभी मैं उसको, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, लेकिन अब मेरा जो नेक्स्ट जो लर्निंग है वो फंडामेंटल्स के। आई वांट टू सी दैट कि रिजल्ट्स पे कैसे स्टॉक्स रिएक्ट कर रहे हैं, वो उनके फंडामेंटल्स से उनके मूवमेंट पे क्या फर्क आता है, अब मैं वो सीख रहा हूँ। टेक्निकल्स लाइक इज आई थिंक मैंने, टेक्नो हाँ फंडा अप्रोच पे जा रहे हैं, मोर ऑफ लाइक ऑफ रिसेंट दैट आई कैन से। और क्या रीजन था इस पे जाने के? क्या टेक्निकल अकेला आपके लिए काम नहीं कर रहे, या लाइक उतना आपको नहीं दे रहे, या यू जस्ट आप एक बैच ऐड करना चाहते हैं एक चीज के, भाई ये और चीज अपने ट्रेडिंग में एक एलिमेंट ऐड कर दो तो रिजल्ट थोड़ा और बेटर हो जाएगा? क्या रीजन आप यहाँ पे आप सोच रहे हैं ऐसा फंडामेंटल ऐड करने का? मैं कहूंगा बाद वाला जो रीजन है कि थोड़ा और कुछ एड ऑन। टेक्निकल्स वर्किंग फाइन, ठीक है, तो वो काम कर रहा है, टेक्निकल मेरे लिए काम कर रहा है। मैं किसी तरह अपने साथ सिंक भी कर लिया हूं कि ट्रेड लेता हूं तो आई हैव सिंक माय सिस्टम विद माय सेल्फ। लेकिन अगर मैं फंडामेंटल्स को देखकर थोड़ा और बेहतर कन्विक्शन डेवलप कर सकूं तो आई थिंक वो एक एड ऑन हो जाएगा मेरी स्ट्रेटेजी में। तो अभी लेकिन इट्स वर्क इन प्रोग्रेस, तो आई विल नॉट बी कमेंटिंग मच अबाउट इट कि भाई मैं रिजल्ट देखा और मैंने ट्रेड किया तो मैंने गजब कर दिया। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। अभी मैं वो सीख रहा हूं, तो मैं इस टेक्निकल एनालिसिस के साथ फंडामेंटल को भी मर्ज करने का धीरे से ट्राई कर रहा हूं। अगर वो हो जाता है एंड वर्क्स फॉर मी तो प्रोबेबली मैं उसको इनकॉर्पोरेट करूंगा। बट अभी मैं एनालिसिस वाले पीरियड में, अभी मैं ऑब्जर्वेशन वाले पीरियड में हूँ, बट जैसे कि स्टिल बताया। बिकॉज मुझे ये क्वेश्चन पूछना है ना, मैं जब भी कोई कहता ना कि मुझे कोई फंडामेंटल से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ना मेरा, क्योंकि क्या होता है कि आई आस्क यू दैट क्वेश्चन कि लेट्स से कि आपने कोई फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया स्टॉक पकड़ लिया है, मान लीजिए कि एडलवाइज में बहुत बड़े फंडामेंटल है, ठीक है, बहुत अच्छे फंडामेंटल है, अभी आपकी एंट्री हो चुकी, क्या आपके सेलिंग रूल अभी भी सेम रहेंगे जो आपने बताया 3 से 5%? ठीक है, तो मेरा काउंटर क्वेश्चन ये है कि अब ये मुंह तो आप विदाउट फंडामेंटल भी कैप्चर कर रहे हैं ना अभी, आप समझ रहे हैं मेरा क्वेश्चन? तो फिर या तो अगर आप फंडामेंटल ऐड कर रहे हैं तो आपको ये नहीं लगता कि थोड़ा और, क्योंकि अगर कुछ ऐड हो रहा है तो वो फिर रिटर्न में भी ऐड होना चाहिए, अगर आप अपने सेलिंग रूल जो आप 50% जो एक्सपांशन पे या 40% के मूव या 25% से 25 to 40% के मूव के आप बेचने वाले हो, आपको ये नहीं लगता कि अगर फंडामेंटल है तो फिर वो उसको थोड़ा और रूम देना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि अभी तक मैं उसको लेकर के आया नहीं हूं कि जैसे जो फंडामेंटली अगर मैंने सेलेक्ट किया स्टॉक तो उसको लेकर के अभी तक मेरे पास कोई साउंड या वैसी स्ट्रेटेजी नहीं है कि अब व्हाट चेंज इट विल मेक। आई डोंट थिंक, क्योंकि इतना आसान नहीं है। जो टेक्निकल्स अब मसल मेमोरी बन गई है एग्जैक्टली उसको इरेज करके, उसको इरेज करके और एक नया अप्रोच लेकर के आना कि भाई ये तो फंडामेंटली गुड है, ये तो यहाँ से 10x होगा, तो नहीं, अभी के लिए तो आई कैन नॉट से दैट व्हाट गुड इज इट एडिंग ऑन। बट यू नो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नोइंग हाउ द कंपनी इज डूइंग, हाउ इट इज वर्किंग, सो या इट इज अ न्यू थिंग जो मेरे दिमाग में आ गई है। अब आई विल जस्ट सी कि ये मेरे लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं करता है नेक्स्ट 6 months और 1 year, इफ आई मेरा दिमाग लगाता हूं, मैं दिमाग खर्चता हूं कि मैं फंडामेंटल कर रहा हूं एंड ऑल दैट, और अगर ये फ्रूटफुल नहीं हो रहा है तो आई जस्ट लीव दिस थिंग, राइट? सो अभी मेरा वर्क इन प्रोग्रेस वाला मूड है।
अब मैं देखूंगा इफ इट इज वर्किंग फॉर मी और नॉट. दिस इज वॉट या नॉट अबाउट यू, दिस इज वॉट अमेज मी कि ना लाइक पीपल दे पुट 10 थिंग्स कि इसका अर्निंग बढ़िया आया, इसके ये कैटालिस्ट है, 10 कैटालिस्ट दे लेट, थीम है ये है वो, एंड देन व्हाट दे डू, बड़ा बेस है 15% 20% में मैंने आधा मुंह बुक कर लिया। तो ये सारी चीज तो आप विदाउट फंडामेंटल भी, मेरा कहने का मतलब ये है अगर आप नॉट अगेन नॉट ऑन यू लाइक ओवरऑल जो मैं देखता हूँ ना कि जहाँ पे कैटालिस्ट ये वो वगैरह लेके आएंगे और फिर उसको 20% 30% पे बेचना है, सो क्यों अगर आप उसके अगर वो रीजनिंग है जो आप बता रहे हो देन माई थिंग इज के बड़ा खिलौना फिर, अगर आप इतने फंडामेंटल में इतनी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आई फील फंडामेंटल ज्यादा लोग टेक्निकल में इसीलिए है बिकॉज फंडामेंटल सबके बस की बात नहीं, जाके चेक करना वो बहुत डिफिकल्ट चीज है। जी चार्ट एटलीस्ट इजी आप 3 महीने में कर सकते हो, लेकिन फंडामेंटल चेक करना आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट कि जो फंडामेंटल चेक करते हैं बहुत ही डिफिकल्ट है वो फंडामेंटल चेक करना। बिल्कुल अग्री, टोटली अग्री. बिल्कुल मैं अग्री करता हूं कि फंडामेंटल पढ़ना भी डिफिकल्ट है, प्लस फंडामेंटल पढ़ के उस मूव को पूरा कैप्चर करना भी, कैप्चर अगर वो करना मूव देता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. क्यों? और स्पेशली फॉर अ ट्रेडर जो जो बहुत लंबे समय से कुछ दिन के लिए खरीदता है फिर बेच देता है, कुछ दिन के लिए खरीदता है फिर बेच देता है, उसको प्रॉफिट दिखते हैं तो बहुत मुश्किल है कि उस अर्ज को बाहर करना कि पास नहीं करनी। बुक नहीं करना है, राइट? तो बट स्टिल आई वुड से कि मैं अभी इस पे वर्क ही कर रहा हूँ. प्रोबेबली इधर इट विल गो आउट ऑफ द विंडो, राइट? या फिर बाहर ही चला जाएगा मेरे सिस्टम से, या फिर मैं आपके पास थोड़े टाइम बाद आऊंगा और कहूंगा कि अंकुर भाई मैं फंडामेंटल भी ट्रेड कर रहा हूँ और बड़े मूव्स ले रहा हूँ. तो लेट्स सी हाउ इट गोज. आई एम नॉट श्योर नहीं कि जो कर कैसा रहे हैं वो रहेगा. ठीक से टैकल करें, जैसे कि किरण भाव आए थे उन्होंने बहुत ही सही तरीके से उसको अपने अंदर ले, बिकॉज ही इज नॉट लुकिंग फॉर दैट 10-15% मूव, वो बड़ा मूव प्ले करते हैं दे लाइक पूरा जो ट्रेड होता है वो पूरा पूरा ट्रेंड कवर करते हैं, बट अदर्स आर व्हाट यू आर लुकिंग कि आप टेक्निकल भी नहीं रहते और फंडामेंटल भी नहीं रहते, क्योंकि आप कर तो वही रहे जो पहले टेक्निकल पे कर रहे थे। ठीक है एनीवेज मूविंग ऑन, लाइक आप अपने कोई लॉस मेकिंग ट्रेड भी शेयर करें कि जहां पे आपको कोई गलत लाइक कोई ब्लंडर कर दिया हो और वहां से कुछ सीखो, ऐसा कोई अगर कोई ट्रेड किया आपने। ब्लंडर अंकुर जी, इफ आई लुक एट माई ट्रेड जर्नल जो मैं अपना अपने लिए मेंटेन करता हूँ, तो आई डोंट फाइंड एनी ब्लंडर्स बिकॉज आई हैव सेट दिस माई लाइक आई सेट दिस फॉर माई सर कि मैं कभी भी किसी भी ट्रेड पे दैट इज टू जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक्सट्रीम लेवल्स पे, किसी भी ट्रेड पे अकाउंट साइज का 1% से ऊपर मैं रिस्क ही नहीं करता, ओके टोटल राइट? 1% ऑफ अकाउंट में अकाउंट, या तो मैं वो रिस्क ही नहीं करता. तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ फॉर्चुनेटली, प्रोबेबली बिकॉज आई हैव नॉट सीन दोज ब्रूटल फॉल्स ऑफ या लाइक द कोलैप्सेस जहां पे स्टॉक लाइक फॉर फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ, मैंने अभी तक एक भी बड़ा गैप डाउन एनकाउंटर नहीं किया अपने स्टॉक कि मैंने स्टॉक लिया और इट गैप डाउन लाइक 15% और राइट 10-15%, अभी तक नहीं हुआ. होगा आगे चल के प्रोबेबली, होगा होगा राइट? होगा ही, अब पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं हम अवॉइड करें. तो फॉर्चुनेटली मैंने वो नहीं अवॉइड किया, तो दिस हैज बीन इंटैक्ट अभी तक. तो अभी तक कोई बड़ा ऐसे ट्रेड्स ऐसे बहुत सारे हुए हैं कि जिनमें स्टॉप हिट हो गया, विच इज वेरी नॉर्मल. कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं जेएसडब्ल्यू इन्फाई बता रहा था, राइट? जेएसडब्ल्यू इंट्राई बता रहा था. अब मैं यहाँ पे अक्यूमुलेट कर रहा था, इसने मुझे यहाँ हिट कर दिया, तो आई मस्ट हैव लॉस्ट अराउंड 0.25% और समथिंग, 0.3% जो भी मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ. ऐसे बहुत सारे स्टॉप ट्रेड्स हैं जो यहाँ पे मिल जाएंगे, अगर मैं ट्विटर पे देखूंगा मेरे तो लॉस वाले ट्रेड भी मिल जाएंगे कि भाई ये नहीं चला और मैंने फिर अपडेट कर दिया होगा कि आई बुक्ड स्टॉप लॉस हिट ट्रेड क्लोज. सो वैसे मूव्स यहाँ पे सी नहीं, ये तो चल गया था, ये फ्लैग ब्रेकआउट फ्लैग है, ये वाला यहाँ से चला फ्लैग ब्रेकआउट है. मैं इससे ये अभी ट्रेड है मेरे पास 14 मई का है, प्रोबेबली एक दो दिन में अगर मुझे ठीक ठाक गेन दिखता है जो कि मुझे अभी 11-12% दे रहा है या ऑलरेडी. एवरेज होल्डिंग पीरियड क्या रहता है बेस में और फ्लैग में एवरेज होल्ड, क्योंकि आई आई व्हाट आई सी इसके आपके दो एवरेज होल्डिंग हो गए, एक तो जब आप बेस ट्रेड कर रहे होगे, एक जब आप फ्लैग ट्रेड कर रहे हो, तो बेस में कितने दिन आप एवरेज होल्ड करते हो
और फ्लैग में, और दोनों में साइज भी अगर आप डिस्कस कर सके कि आप कैसे साइज करते हो, दोनों फ्लैग में ज्यादा साइज रहता है या बेस में ज्यादा साइज रहता है? साइज मोर और लेस सेम ही है। अगर ओके मैं प्रोग्रेसिव एक्सपोजर नहीं ट्राई कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ। इफ अ बिग बेस ब्रेकआउट है, आई एम स्पेकुलेटिंग अ बिग बेस ब्रेकआउट, तो माय होल्डिंग पीरियड वेरीज बिटवीन, सॉरी, 3 वीक्स टू 5 वीक्स। ओके अगर मैं फ्लैट ब्रेकआउट ट्रेड कर रहा हूँ, राइट, तो इट इज, सॉरी, इट इज समवेयर अराउंड 3 टू 5 डेज। वी डू 5 डेज ओके अगेन इफ इट गिव्स अ फ्लैग फ्लैग ब्रेकआउट, जैसे कि कोचिंग शिप में हुआ, तो मैं आपको उस चार्ट पे लेके चलता हूँ। तो ये मेरा होल्डिंग पीरियड है, एवरेज होल्डिंग पीरियड है बिग बेस ब्रेकआउट का। 3 से 5 हफ्ता मैं उसको होल्ड करूंगा। फ्लैग ब्रेकआउट, अगर फ्लैग ब्रेकआउट है तो 3 से 5 दिन तक उसमें वो अपना मूव दे देता है। साइज पे भी मैं आता हूँ, क्वेश्चन शिप है ये, मैंने बड़ा बेस से ब्रेकआउट कर रहा है, यहाँ पे मैंने इसको साइज किया 20-25% ऑफ माई अकाउंट, यहाँ पे 50% बुक किया, तो मेरा जो कुछ पार्ट है वो इस पूरे मूव में कहीं ना कहीं रहेगा। मेजोरिटी आई बुक डियर, हालांकि अब जैसे फ्लैग में भी अगर तीसरा दूसरा तीसरा फ्लैग हो चुका है एक ही मूव में, अगर तीसरा फ्लैग हो चुका है, तो आई थिंक फिर उसके बाद में अगर वो फ्लैग बनाता भी है तो या तो मैं कम एक्सपोजर से जाऊंगा या मैं थोड़ा, क्योंकि ये मूव कर चुका है ऑलरेडी, अच्छा खासा उसने दे दिया है। अब ये स्टार्टिंग मूव नहीं है, राइट, यहां से हम अगर कैलकुलेट करें ऑलमोस्ट 100% इट्स नॉट अ न्यू मूव एनी मोर। तो अगर अब ये साइडवेज जाके फ्लैग ब्रेकआउट देता है तो आई विल ट्रेड इट, नो डाउट, बट प्रोबेबली आई वुड लाइक टू गो विद लेसर। इफ आई एम गोइंग 25%, आई वुड गो 15%, लाइक टू गो विद 15% एंड होल्ड इट फॉर द सेम 3 टू 5 डेज ऑफ फ्लैग ब्रेकआउट, राइट। हियर ओके आई या बुक्ड इट हियर कंप्लीट। सो जैसे आपने बताया आप बड़े बेस ब्रेकआउट ज्यादा ट्रेड करते हैं, ठीक है। सो अगर आप हुड़को का चार्ट ओपन करें, एंड आई वुड लाइक के कैसे, क्योंकि हुड़को में पहले ब्रेकआउट हुआ है, इफ यू सी ऑन अ डे, जैसे पहले जो बड़ा कैंडल बना, ठीक है, आई एम नॉट श्योर इफ यू आर देयर ऑन, इफ यू आर दैट, बट अज्यूमिंग दैट यू आर देयर ऑन दैट डे, उस दिन पे आपकी एंट्री, कैन यू जस्ट पॉइंट इट आउट, अगर आप नीचे कोई मार्कर लगा सके, एरो मार्कर, On this day? या ऑन दैट डे विल यू बाय दैट, पहले तो इसको बाय करोगे आप, इज इट राइट राइट सेटअप फॉर यू टू बाय ऑन दैट डे, इज इट अ राइट सेटअप फॉर यू टू बाय ऑन दैट डे और नॉट? Yes, it is the right setup. या सो लेट्स Yeah. से यू आर इन दैट डे, आप उस दिन भी आपकी एंट्री हो चुकी है, बट जैसा आप देख रहे होगे ना कि पहले ये बेस के ब्रेकआउट के बाद आगे के 5 से 6 दिन कुछ भी नहीं, और ऑलमोस्ट एट योर कॉस्ट आ चुका है। सो क्या करोगे ऐसे टाइम पे, लाइक व्हाट विल बी लाइक, विल यू होल्ड इट विथ योर SL और विल ओरिजिनल SL, पहले तो ये ओरिजिनल SL जो आपने पहले प्लान किया था एंट्री से पहले, या फिर कॉस्ट SL से, या आप उसको बेच देंगे, व्हाट यू नॉर्मली, क्योंकि हमने जो अभी तक जो ट्रेड डिस्कस किया ना वो अमूमन क्या हुआ गया, ब्रेकआउट ट्रेड से चलते ही गए, लेकिन ब्रेकआउट 20-20 ब्रेकआउट का सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये रहता है ना कि कभी कभी जैसे कि JWL भी देखो, नेक्स्ट डे इट वॉज अ डाउन, सो यहाँ पे भी ऐसा है कि 4-5 दिन स्टॉक ने कुछ किया नहीं, अब हो सकता है कि ये 4-5 दिन में बहुत सारे स्टॉक और ब्रेकआउट करे। तो लाइक एज एन इंडिविजुअल ट्रेडर जो ऑफिस से काम अपने पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहा है, आप कैसे करोगे इसको, कैसे हैंडल करोगे, आपका क्या यहाँ पे रहता है टेक? जनरली सो व्हाट हैपेंस, इट इज अगेन आई समटाइम्स गो वेरी डिस्क्रिशनरी अबाउट इट। जैसे फॉर एग्जांपल IRFC में ऐसा हुआ था, जब हमने IRFC देखा था तो जहां से मैंने उसको लिया वहां से इट केम डाउन, लेट मी गो टू द IRFC एंड देन विल कम बैक टू खुद, राइट। जैसे यहां मैंने इसको लिया था, राइट, इस दिन, और उसके बाद भी इसने 3-4 दिन कुछ नहीं किया, दो 3 दिन तो एटलीस्ट कुछ भी नहीं किया, बट बहुत छोटी रेंज में नीचे आता रहा। फोर्थ डे इट गैप डाउन एंड रिकवर, राइट। सो आई डिड नॉट डू एनीथिंग ऑन दिस डे, आई डिड डू एनीथिंग, आई डिड नॉट इंटरफेयर विद दिस ट्रेड, बिकॉज इट्स क्लियर कि मैं इसको एक बड़ा बेस का ब्रेकआउट में यहाँ पे स्पेकुलेट कर रहा हूँ एंड मैं इसको होल्ड करूंगा, तो यहाँ पे माइंडसेट क्लियर था। या फिर ये मेरा स्टॉप लॉस ले जाएगा, ओरिजिनल स्टॉप लॉस जो मैंने प्लेस किया होगा 2%, इट विल टेक अवे दैट, तो फिर मैं वहां पे
निकल जाऊंगा, निकाल दूंगा ट्रेड को, ठीक है। इन केस ऑफ हुड गो, अब चूंकि ये वाला जो स्टॉक है ये ऑलरेडी आई थिंक ये कितना 10% से ऊपर का मूव दे दिया है इस दिन, 12% या 12% का मूव परसेंट दे या दिया ऑन फर्स्ट डे। अगर ये 12% का मूव दे दिया है तो यहां मेरा माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि मैं इस पे लॉस नहीं लेने वाला, ओके यहां पे मैं अपना ब्रेक इवन पे, सपोज अगर मेरा स्टॉप लॉस, मेरा एंट्री 206 का था सपोज ऑन द हाई ऑफ 205 का, अब मैं यहाँ पे इसको आई प्रोबेबली गेट आउट, मोस्ट ऑफ लाइक 90% ऑफ चांसेस ये हैं कि मैं यहाँ से, अब वो 10% डिस्क्रिशनरी का आई कैन नॉट से, बट 90% आई बी आउट ऑन माई ब्रेक इवन, क्योंकि ये रिवर्स होके आ गया है, यहाँ पे एक विक भी बन गया है, लुकिंग एट एवरीथिंग आई प्रोबेबली बी आउट, बट इफ इट सेट्स अप अगेन आई एम अगेन रेडी टू एंटर। वाइट वाइट हाँ ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो मेरे, मैंने बाय किया, दे हिट मी आउट, दे अगेन सेटअप, आई अगेन एंटर। उसका भी रिसेंट एग्जांपल मैंने बताया जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, मैं ओके अक्यूमुलेट कर रहा था, उसने मुझे स्टॉप आउट किया, मैं फिर वापस वो मेरे वॉचलिस्ट से बाहर नहीं गया, एंड आई अगेन एंटर्ड इट एंड सिटिंग ऑन 11% ऑफ गेन्स, राइट। तो यहाँ पे ये सेटअप हुआ, अब चूंकि इसने यहाँ पे लोगों को निकाल दिया है, इट रिसेंटली केम इनटू माय रडार और मैंने इसको इस दिन पे लिया है, इट इज पार्ट ऑफ माय होल्डिंग राइट नाउ, ओके यहाँ पे आई एम ट्रेडिंग इट, यहाँ ये होगा, ये भी होगा, जस्ट अ सेकंड। आप क्या प्रिफर करना ज्यादा, बेसिस और मिनी बेसिस? व्हाट डू यू प्रिफर ट्रेडिंग मोर और क्यों आई एम प्रिफरिंग? सॉरी, आप बेसिस, आप बड़े बेसिस ज्यादा प्रिफर करते हैं ट्रेड करना या फ्लैग्स एंड क्यों? व्हाट एवर यू पिक, अगर दोनों में से एक पिक करना हो आपके लिए तो क्या ज्यादा प्रीफर करोगे और क्यों? आई थिंक बड़े बेस आई प्रेफर, ओके अगर प्रेफरेंस की ही बात है तो मैं बड़े बेस ट्रेड करना प्रेफर करूंगा, क्योंकि उसमें क्या होता है कि आपको एक स्टॉक ऐसा मिल गया है जो नेक्स्ट कुछ मंथ्स के लिए, वी कैन से एक दो एटलीस्ट, जैसे मैंने कहा 3 से 5 वीक का मेरा होल्डिंग अवधि है उसका, तो एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 month आई हैव दिस स्टॉक जिसमें पोटेंशियल है कि वो 50, 60, 70% जा सकता है, जैसे कोचिन शिप 100% चला गया, ठीक है। तो मैं उस एक स्टॉक में ज्यादा दिमाग लगा सकता हूँ, मैं उस एक स्टॉक के प्राइस एक्शन को अच्छे से स्टडी कर सकता हूँ उसके, अब चूंकि वो बड़े बेस का ब्रेकआउट है तो वो भी बीच बीच में फ्लैग्स को बनाएगा ही, तो मैं उसके फ्लैग ब्रेकआउट ट्रेड करना ज्यादा प्रेफर करता हूँ, गॉट राइट। इट या तो उसका प्राइस एक्शन तो मैंने कोचिन शिप में ऐसा किया, मैंने टाटा इन्वेस्ट में ऐसा किया, मैं जो भी ट्रेड करा, तो मेरा मोटिव ये है एक बड़े बेस का ब्रेकआउट मिल जाए, उसका वो ब्रेकआउट तो आई वांट टू ट्रेड, उसके फ्लैग्स भी मैं ट्रेड करना चाहता हूँ, तो आई वुड से और दैट्स हाउ एट अ टाइम ट्रेड। आपकी कितनी पोजीशन ओपन रहते हैं, लाइक एक वन पॉइंट एट वन गिवन टाइम आपकी ओपन पोजीशंस कितनी रहती है? 5, 6, 8, 10, कितनी पोजीशन आपकी ओपन रहती है? नॉर्मली इट्स 5, फाइव नॉर्मली ओके सो या इट्स अराउंड 5 अराउंड 20% एंड साइज 5 पोजीशन। या अराउंड 5, समटाइम्स इट्स वेरी लेस व्हेन आई एम टू कॉन्सेंट्रेटेड, तो 4 पे भी हो जाती है, 25-25% 4 में लगा दिया तो 4 चल रहे हैं, एंड समटाइम्स व्हेन आई एम गिविंग प्रोग्रेसिव एक्सपोजर, जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी अगेन गो टू जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, अगर हम एक करेक्शन के बाहर, करेक्शन से आ रहे हैं और मैं एक ब्रेक से आ रहा हूं, जहां पे सी सपोज इस करेक्शन में व्हाटएवर, जहां पे मेरा पोर्टफोलियो था वहां से जो भी बुक हुए, मार्केट डाउन ट्रेंड में आया और मैं अपने स्टॉप्स हिट हुए, नाउ आई एम सिटिंग ऑन कैश एंड ऑन अ ब्रेक, अब मैं जब दोबारा आऊंगा तो मैं छोटा स्टार्ट करना चाहूंगा, छोटा छोटा पोजिशन बिल्ड करना चाहूंगा, तो वो प्रोग्रेसिव एक्सपोजर है, तो उस समय में हो सकता है कि इनिशियली व्हेन आई स्टार्ट तो वहां पे कभी कभी 6-7 पोजीशंस भी हो जाती हैं, क्योंकि मैं छोटा खरीद रहा हूँ, मैंने जेएसडब्ल्यू इंफ्रा सेटअप मिला, मैंने इसको भी खरीद लिया, फिर मुझे चेन्नई पेट्रो में कुछ दिखा, मैंने वहां भी एक छोटा पोजिशन बनाया, फिर जहां मुझे फॉलो अप बाइंग दिखता है वहां मैं कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर देता हूँ कि मैंने उसको और ऐड कर लिया और जो नहीं काम कर रहा है उसको निकाल लिया, तो
तो जब प्रोग्रेसिव बाइंग होती है तो शायद वो 6-7 तक चला जाता है, जनरली इट्स नॉट मोर देन 5। सो अंकुर जी, दैट्स मोर और लेस आई हैव शेयर्ड माय स्ट्रेटजी, जो भी मैं स्ट्रेटजी यूज कर रहा हूँ, कि मुझे एक स्ट्रांग अप ट्रेंड चाहिए, एक बाइंग फोर्स चाहिए, और एक बड़ा बेस अगर मुझे दिखता है, तो मैंने एग्जीक्यूशन के बारे में बात किया कि मैं एग्जीक्यूट कैसे करता हूँ। वो जब एक बड़ा बेस करेक्शन के बाद वापस बाहर आ रहा है, अपने मूविंग एवरेजेस को क्लेम करता है, वहां पे वो टाइट हो रहा है, वहां कहीं पर मैं देखता हूँ कि मुझे अपना एग्जीक्यूशन मिल जाए। एक टाइट रेंज का दिन हो, नेक्स्ट डे अगर स्ट्रॉन्ग स्टार्ट मिलता है मैं वहां बाय करूंगा, और मेरा एवरेज होल्डिंग पीरियड, जैसा कि मैंने आपसे शेयर किया, बड़ा बेस ब्रेकआउट है 3 to 5 weeks, अगर फ्लैग ब्रेकआउट है तो अगेन 3 to 5 days, तो ये वहां है। ट्रेड मैनेजमेंट, मैं वो पॉइंट कैप्चर करना चाह रहा था कि जैसे मैंने पहले बताया कि मैं बहुत माइक्रो मैनेजमेंट भी करने लगा था बीच में, और मैंने पाया कि भाई मैं अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेड को बीच में ही क्लोज कर दे रहा हूं, क्योंकि मैंने 15 मिनट के चार्ट पे एक रेड कैंडल देख लिया और सेंस डज इट मेक। तो ट्रेड मैनेजमेंट में मैंने वहां से एक पॉइंट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रो मैनेज नहीं करना, आपको पता होना चाहिए, दैट्स व्हाई दिस लाइन, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं बिफोर एंटरिंग। आई नो, और दो ही चीज करता हूं तो मुझे ज्यादा क्लैरिटी है। बड़ा बेस ब्रेकआउट है तो आई नो कि 3 से 5 हफ्ते तक मैं कोशिश करूंगा कि होल्ड करूं, है ना। जैसे होता है हिट हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में, अब मैं थोड़ा बार बार चेंज करता रहता हूँ, मैं चार्ट पे आ जाता हूँ, लेकिन जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में ये वाला ट्रेड मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि यहाँ से एक अच्छा खासा इसने मूव दिया, फिर ये करेक्शन में चला गया, यहाँ ये वापिस इसने अपने मूविंग एवरेजेस को क्लेम किया, तो यहाँ इस दिन का मेरा बाइंग एक स्ट्रॉन्ग स्टार्ट है, एक छोटा सा रेंज है, मैं प्ले करना चाहता हूँ, मैंने एक पोजिशन बिल्ड किया, मुझे इसने अच्छा सा एक मूव दिया, आई थिंक मेरा यहाँ का भी बाइंग होगा, तो 3 4 5 दिन में इट्स अप 22%। आई थिंक मैंने 50% पोजिशन पे इस दिन 50% पोजिशन क्लोज कर दिया, क्योंकि इसने अपना जो ओपन प्राइस था, जिस प्राइस पे ये ओपन हुआ, उसको भी ब्रेक किया और प्रायर प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के भी नीचे आ गया, तो यहाँ कहीं मैंने इसको बुक कर दिया, तो मेरा जो 50% था टोटल पोजीशन का, वो यहाँ पे बुक हो गया आधा, एट अ गेन ऑफ आई थिंक अराउंड 18-20%, जो भी यहाँ पे मुझे मिला होगा, 18% के गेन पे मैंने उसको बंद कर दिया। रिमेनिंग 50% केम डाउन एंड हिट मी अप लाइक दिस, अब वो आउट हो गया, अब वो ये ट्रेड नहीं चला उतना लंबा जितना कि अब इसने मुझे इस वाले बेस ब्रेकआउट में मुझे फ्लैग ब्रेकआउट ट्रेड करने का मौका ही नहीं दिया, विच हैपेंस। तो देन आई वाज डन, देन इट अगेन वेंट इनटू माय वॉच लिस्ट यहाँ कहीं पे, और फिर मैंने आपको बताया इसको मैंने बाद में ट्रेड किया। तो कहने का मतलब है कि ट्रेड मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू स्टिक टू व्हाट यू हैव डिसाइडेड, आपको जो अपने आपने डिसाइड किया है ट्रेड लेने से पहले उसको फॉलो करना है, रिलीजियसली फॉलो करना है, दैट्स इट। तो ये ट्रेड मैनेजमेंट है, माइक्रो मैनेजमेंट मैं नहीं करूंगा, मैं डे के चार्ट पर ट्रेड ले रहा हूँ तो मैं डे का ही चार्ट देखूंगा, बार बार इंट्राडे जाके नहीं देखूंगा कि भाई 15 मिनट में वो क्या कर रहा है, आधे घंटे में वो क्या कर रहा है, वो चाहे जो करे, डे एंड पे वो क्या कर रहा है इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। सेल रूल्स पे जैसे मैंने बात की कि हाँ वही 3 to 5 days में अगर मुझे अच्छा एक 15 से 20-25% के बीच का गेन मिल रहा है, तो मैं कुछ तो बुक करना चाहूंगा, ठीक है, और फ्लैग ब्रेकआउट पे आई वांट टू बुक मेजोरिटी ऑफ द होल्डिंग। तो ये कुछ सेल रूल्स हुए मेरे, ठीक है। नाउ स्कैन्स आई यूज, मैंने इनको सबसे एंड में रखा है, जो स्कैन में यूज करता हूँ, क्योंकि ये सबसे एंड का ही पार्ट है, इट इज नॉट द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, यूजफुल, वेरी यूजफुल, नॉट डिनाइंग कि आपको थोड़ा टाइम बच जाता है, आप जल्दी स्कैन कर सकते, वो सब ठीक बात है, लेकिन अगेन अगर मुझसे कोई पूछेगा कि मैं आपको एक स्कैन दे दूं और आप उस स्कैन से पैसे बनाने लग जाओगे, नॉट हैपनिंग, राइट। सो आई हैव केप्ट इट इन द लास्ट इन द एंड, तो मैं बता देता हूँ क्या स्कैन मैं यूज कर रहा हूँ। सो जैसे मैंने बताया मैं जॉब के साथ कर रहा हूँ, तो मैं वीकली स्कैन करता हूँ वीकेंड्स में, और डेली भी करता हूँ, तो डेली मैं क्या करता हूँ, वो आई टॉक
तो एवरी वीकेंड मैं ट्रेडिंग व्यू का जो स्क्रीनर है वहां पे जो ऑप्शन आता है उस पे जा करके मैं वो स्टॉक्स को फिल्टर करता हूँ जिनमें 25 to 30% का मूव है इन अ स्पैन ऑफ लास्ट 1 month to 3 months, डिपेंड्स इफ आई एम फिल्टरिंग 1 month परफॉर्मेंस तो मैं 20-25% का फिल्टर डाल देता हूँ, और पिछले 3 महीने में जो 30% से ऊपर कुछ स्टॉक्स हैं आई वॉन्ट टू सी वहां क्या हो रहा है, तो ये मैं एक यूज करता हूँ। फिर स्टॉक्स नियर 52 वीक हाई जोन, अब 52 वीक हाई जोन के 15-20% के आसपास में जो स्टॉक्स हैं उनको भी आई वॉन्ट टू सी, तो आई स्कैन देम एंड 3 वीक टाइट क्लोजिंग। आई थिंक ये आई डोंट रिमेम्बर एज आई सेड मैंने कहीं कहीं से चीजें एक्वायर की, ये 3 वीक टाइट क्लोजिंग या तो आप ही के चैनल से या आप ही के ट्विटर हैंडल मैंने लिया है, ये मैं वो अपना चाटनी पे एक मैंने सेव कर लिया है इसे अपनी प्रोफाइल पे, मैंने बनाया नहीं है मैंने सेव कर लिया है एंड आई यूज इट राइट। तो वीकली मैं ये स्टॉक्स स्कैन करता हूँ ये तीनों, और इनमें देखता हूँ अगर मुझे जो भी अच्छा लगता है आई एड दोस नेम्स टू माय फोकस वॉच लिस्ट। नाउ ऑन डेली बेसिस दिस इज लाइक दिस इज डूइंग वंडर्स फॉर मी। इनसाइड बार इज माय फेवरेट, लाइक अगर मुझे टाइट रेंज में इनसाइड बार मिल रहा है तो इट्स एन ऐड ऑन फॉर मी। तो लेट स्टेज इनसाइड बार मैं अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहूंगा देयर इज दिस वीडियो अवेलेबल ऑन हिज चैनल, अंकुर जी के चैनल पे वीडियोस अवेलेबल है, गो एंड वॉच इट। एंड उन्होंने इसका एक स्कैनर जो ऑलरेडी रेडीमेड स्कैनर है वो भी दिया है, गो एंड वॉच इट यूज इट, आई थिंक यू विल फाइंड गुड नेम्स वेरी गुड नेम्स। तो ये मेरा स्कैनिंग है यही मैं यूज करता हूँ ठीक है। तो ओके या जी जी तो तो यही दो लास्ट टाइम तीन मे भी एक या दो सवाल आपसे मैं पूछूंगा कि जरूर निशित जी, अभी भी ऐसी कोई जगह है लाइक इज देयर एनीथिंग एल्स लाइक जहां पे अभी भी आप कोई चैलेंज फेस कर अपनी ट्रेडिंग में, क्योंकि यहाँ यहाँ पे मैं मुझे कोई इंप्रूवमेंट करना चाहिए? मैनी आई हैव बीन मैनी लाइक अगेन लाइक सो मेनी टाइम्स इट हैपेंस अभी वो मैं प्रैक्टिस में कि मैं इमोशनल जो एस्पेक्ट है उसको कंटिन्यूस, अभी भी मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि जो भी मैं कर रहा हूँ वो अब मैंने परफेक्टली उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया है, अभी भी आई एम एवरी डे आई स्ट्रगल टू होल्ड ऑन टू माय इमोशंस। स्टॉक 20-22% ऊपर चला जाता है, 15% ऊपर चला जाता है 3 दिन में। अब वो जैसे मैंने कहा कि मेरा क्राइटेरिया है कि 15 to 18-20% का मूव मैं बुक कर लूं, अब अगर तीसरे दिन स्टॉक मुझे 13% दिख रहा है अब वो 2% का गैप है आई वॉन्ट टू बुक इट राइट। सो द स्ट्रगल, सो समटाइम्स आई डू समटाइम्स आई डोंट, इट जस्ट डिपेंड्स एंड वेरीज क्योंकि मार्केट इतना डायनेमिक है ना हाँ कि मार्केट कंडीशन आल्सो प्लेज अ बिग रोल। आप आपका ट्रेड कैसा चल रहा है पिछला कुछ, मार्केट इन दिनों कैसा चल रहा है, समटाइम्स यू जस्ट वॉन्ट टू बुक अर्ली राइट। लुक वो एक कुछ इंडिकेशन आते हैं, अब वो कहाँ से आते हैं मुझे नहीं पता, कोई ना कोई एक इमोशन एक इंडिकेशन आएगा अरे यार आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू बुक दिस, 13% मिल रहा है कुछ तो ले ले है ना। सो दिस स्ट्रगल इट जस्ट गोज ऑन। तो यही कुछ है या तो मैं जो ट्राई कर रहा हूँ मैं बताऊँ, मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू मेक रूल्स फॉर एवरीथिंग, मैं उस पर जा रहा हूँ। डिस्क्रिशनरी माइंड जो है मेरा वो अभी भी चलता है, तो आई वॉन्ट टू ओवरकम एज मच एज आई कैन, सो लेट्स सी हाउ 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 इट गोज। तो ये एक चीज है जिसको आई वॉन्ट टू ओवरकम डिस्क्रिशनरी माइंड सेट। क्या ऐसी कोई चीज होती जैसे आपने जैसे आपको अगर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया पहले दिन अगर आपको किसी ने बताई होती, आप ये विश करते कि यार किसी ने मुझे ये चीज पहले दिन बता दी होती ना तो मेरा ट्रेडिंग और अच्छा या आपकी जर्नी और इजी हो जाती? पहले पहले दिन अगर मुझे कुछ पता लगा रहा था तो वो ये था कि ऑप्शंस करना ही नहीं चाहिए, यू शुडन डू ऑप्शंस। सो और एटलीस्ट बिना नॉलेज के तो उधर देखना भी नहीं चाहिए, दिस इज वन थिंग दैट आई शुड हैव लर्न। तो ये एक चीज है, बट जोक्स अपार्ट आई थिंक इट वाज नॉट अ जोक बाय द वे, इट इज अ वेरी ऑन अ वेरी सीरियस नोट आई वांट टू से दैट इफ यू आर अ न्यू पर्सन टू द ट्रेडिंग डोंट लुक एट ऑप्शंस फ्यूचर्स राइट। तो अगर मुझे पता होता कि
मेरा एक्सपोजर जो है, क्या होता है कि आप जब ऑप्शन में फ्यूचर ट्रेड करते हो, आपका कैपिटल तो है 1 लाख, आप एक्सपोजर ले रहे हो 10 लाख वाला, ठीक है? इफ इट गोज 1% अगेंस्ट यू, तो आपका 10% अकाउंट साफ हो जाएगा। इतना भी कैलकुलेशन वॉज नॉट देयर व्हेन आई स्टार्टेड ऑफ, तो ये होना जरूरी है। बाकी स्विंग ट्रेडिंग में मैं कहूंगा कि मेरा जो लर्निंग कर्व है, इट्स कंपैरेटिवली, आई पर्सनली लाइक फाइंड इट वेरी लेस शॉर्ट या व्हेन आई आई कम, आई एम वेरी एग्री विथ शॉर्ट। दैट, एग्री विथ दैट, आई एग्री विथ दैट, या जैसे मैंने आपको बताया कि 2022 में मैंने सिंसियरली ये तय किया कि मुझे कैश ट्रेडिंग करनी है। 2022 मैंने उसको दिया पूरा, उसमें मैंने सब कुछ किया। जैसा मैंने बताया, मैंने एक्सटेंडेड स्टॉक्स खरीदे जो एक्सटेंड हो चुके हैं, मैंने उनमें बाय किया क्योंकि वो एक ब्रेकआउट दे रहे हैं, ठीक है? वहां पे अपनी गलतियां की। धीरे धीरे मुझे पता लगा कि मार्केट कैसे फंक्शन करता है। लेकिन अगर फिर भी मैं कहूं कि कोई एक चीज जो थोड़ा और पहले पता लग जाती, तो वो है ये नहीं। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं वो मिस्टेक्स भी नहीं करता कि मैं एक्सटेंडेड स्टॉक्स को खरीद रहा हूँ, फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, फिर मैं उनको होल्ड करके बैठा हुआ हूँ कि अच्छा वो अब चूंकि वो एक्सटेंडेड है, मैंने खरीदा हूँ, नीचे आ रहा है, अब मैं बैठा हुआ हूँ। तो रिस्क मैनेजमेंट इज ऑल्सो समथिंग जो मैंने बाद में सीखा, इसी के साथ में सीखा। जब बाद में, तो पहले मेरे स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े होते थे ना, और सच कहूँ तो होते ही नहीं थे। जब मुझे थोड़ा लॉस बड़ा ही दिखने लगता था तो मैं बोलता था कि अरे यार ये तो रहने दो। चला गया, राइट? तो इसी स्लाइड में है सब कुछ, मतलब जो भी मैं कर रहा हूँ या जो भी मेरे आंसर्स हैं इसी में। ये मुझे पहले पता होता और ये सवाल मैंने पहले पूछ लिए होते तो शायद मेरा लर्निंग का और शॉर्ट हो जाता। बट या नेवर्थलेस, जब भी देर आए दुरुस्त आए। वन मोर क्वेश्चन निखिल, निशित जी, यस मोस्ट ऑफ द जो लोग स्टॉक मार्केट में रहते हैं, उनका ये क्या एस्पिरेशन रहता है कि भाई मैं फुल टाइम ट्रेडिंग में जाऊंगा, जॉब नहीं करना। क्या आपका भी ऐसा कुछ है, और आप ये सोच रहे हैं कि आप अच्छा ट्रेडिंग इसलिए कर रहे हैं बिकॉज आपके पास एक स्टेबल इनकम है, और आपको उतना टाइम भी देने की जरूरत नहीं स्टॉक मार्केट या ट्रेड के लिए? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? एग्जैक्टली द लेटर वन, कि मैं इसको फुल टाइम ट्रेडिंग, मतलब फुल टाइम जॉब या फुल टाइम बिजनेस एज अ फुल टाइम थिंग, आई डोंट वॉन्ट टू सी इट एज अ फुल टाइम थिंग। उसका रीजन है कि आई डोंट वॉन्ट टू बी फुली डिपेंडेंट ऑन समथिंग जिसका आउटकम जो है वो बहुत ही, मतलब वोलेटाइल आई है, नो वोलेटाइल है। हाँ वॉलेटाइल है। यू नेवर नो, लाइक 1 month कैन गो रियली वेल फॉर यू, नेक्स्ट मंथ यू आर मे बी डाउन इन अ ड्रॉ डाउन। नाउ आई डोंट वॉन्ट टू टेक दैट प्रेशर कि मुझे मार्केट से पैसा जनरेट करके आई वॉन्ट टू रन रन माई हाउस होल्ड, है ना? अगर तो वो मैं प्रेशर नहीं लेना चाहता। और जब मुझे 1-2 घंटा दे के मार्केट को, जैसे 1 घंटा में शुरू में जैसे मैंने बताया सुबह 9 से 10 में देता हूँ, उसके अलावा 1-2 घंटे, 1 घंटा डेली अगर वीकडेज में देखूँ तो 1 घंटा शाम को लगता है स्कैनिंग वगैरह करने में, वॉचेस बनाने में। वीकेंड्स में मैं 2-3 घंटा देता होगा। तो जब इतने टाइम में आई एम डूइंग वेल, व्हाई पुट मोर टाइम एंड मेक इट इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर माई सेल्फ? अगर ओके, मुझे, हाँ, अगर मुझे चलो पर्सनली ऐसा लगता है मैं स्क्रीन टाइम बढ़ा दूंगा तो मेरे लिए कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, सॉरी, बताओ मैं मैं तो एक ठीक। एक करके क्वेश्चन और करते जा रहा हूँ बिकॉज मेरे ना पहली बार ऐसा कोई लगा कि भाई ये पार्ट टाइम ट्रेडिंग के साथ या फुल टाइम जॉब के साथ आप ट्रेडिंग, तो क्या आप अगेन कुछ, मैं उस एंगल से सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई एक जॉब से देख रहा है ये वीडियो, लाइक पार्ट टाइम जो जॉब करे, फुल टाइम जॉब करे, पार्ट टाइम ट्रेडिंग करे, उनके मन में क्या क्वेश्चन आ रहा है, उस एंगल से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। लाइक आपकी अंडरस्टूड। जो मंथली जो सैलरी होती है, तो हर मंथ क्या आप उसमें से ट्रेडिंग में कोई भी अमाउंट ऐड करते जाते हैं, लाइक लेट्स से कि अब मैं अच्छा ट्रेड कर रहा हूँ तो, या लाइक वॉट एवर, लाइक यू कीप एडिंग मनी फ्रॉम योर सैलरी, सैलरी से, क्योंकि आपका ट्रेडिंग अकाउंट आई फील के आपका हाउस होल्ड जो रन होगा वो आपकी सैलरी से हो जाएगा, लेकिन सैलरी से क्या आप ट्रेडिंग में ऐड करते रहते हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि आपका, क्योंकि आप अच्छा ट्रेडिंग कर रहे हैं और यू वॉन्ट टू मेक मोर मनी फ्रॉम दैट, जब आप अच्छा कर रहे हो, तो डू यू एड मोर मनी इन योर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम योर सैलरी? यस आई डिड इट। अभी तो आई एम नॉट, लाइक नॉट एवरी मंथ, नॉट ऑन अ मंथली बेसिस। सो सी इट, ऐसा भी नहीं है कि मुझे अभी बहुत सारा समय हो गया है मार्केट में। अभी मुझे कुछ दो, अगर मैं ठीक से ट्रेडिंग करने की बात करूँ तो मुझे कुछ 2 साल हुए हैं। तो इस 2 साल में प्रॉफिटेबल होने की जर्नी में
मैंने एक जिस कैपिटल से मैंने स्टार्ट किया था उसके बाद आई एडेड एक बड़ा सा चंक, मैंने बड़ा सा मेरे लिए वो बड़ा है, आई डोंट ट्रेड अ बिग अकाउंट, तो एक मेजर जो जितना कि मेरे को एक कैपिटल बनाना था कि भाई इतने कैपिटल से आई वांट टू ट्रेड, वो मैंने वहां पे ऐड कर दिया था इनिशियल कैपिटल के बाद, एक ठीक ठाक सा साइज मैंने वहां पे डाला। उसके बाद नहीं, रेगुलरली तो आई एम नॉट एडिंग ऑन टू टू दैट, आई वांट टू ग्रो दैट अकाउंट। प्रोबेबली प्रोबेबली दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर, आई डोंट नो आगे जाके अगर मैं ऐड करूं तो, पर अभी तो आई डोंट कीप एडिंग, नो या बट दिस हैपेंस कि आई हैव टू ब्रोकर्स लाइक टू डीमैट अकाउंट्स, तो एक तो ये जो है जो जिसमें मैं अपना स्विंग ट्रेडिंग ये वाला स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ जो मैं आपको बताया अभी इस पूरे इंटरव्यू के दौरान, आई हैव अनदर अकाउंट जहां पे अगर मेरे दिमाग में कुछ नया आता है या मेरी ऑब्जर्वेशन में कुछ नई चीजें बहुत आने बढ़िया, लगती है बहुत बढ़िया। तो मैं उसमें एक छोटा कैपिटल डालता हूँ अपने मंथली सैलरी से, या वो एक बार डाला दो बार डाला, तो ये मैंने कुछ किया है पिछले कुछ महीनों में, और मैं वहां करता हूँ, और वो जो नए आइडिया है, जो नए तीर आ रहे हैं मेरे पास, उनको मैं वहां लगाता हूँ ताकि ताकि ये अकाउंट अफेक्टेड ना हो, क्योंकि जैसे ही अगर मैं अपना अकाउंट को मैं कोई दूसरी स्ट्रेटेजी लगा के उसके रिटर्न्स को इम्पैक्ट कर दूंगा तो इट माइट इम्पैक्ट माई साइकोलॉजी कि यार मेरा अकाउंट में इतना था, मैंने कुछ नया तीर लगाया तो ऐसा हो गया, ठीक है, सो आई डोंट वॉन्ट दैट। तो अगर मुझे कुछ नया करना होता है तो यस, वो मैं उस छोटे अकाउंट पे जाता हूँ और उसमें थोड़ा पैसा अपने सैलरी से निकालता हूँ, डालता हूँ वहां पर। वो आपका लेबोरेटरी अकाउंट है जहां पे आप इनोवेशन करते हैं। राइट बहुत राइट बढ़िया, बहुत जैसे बढ़िया, बहुत अच्छा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मार्क एमटीएफ, मार्जिनल ट्रेडिंग फंडिंग, तो एमटीएफ वाला जो मैंने शुरू किया तो मैंने वो वहां किया कि भाई मैं ओवर एक्सपोज होके काम कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, सर ऐसे में जो भी प्रयोग करता हूँ वो मेरी लेबोरेटरी है एज यू सेड। ओके, सो या निशि जी, व्हाट लाइक लास्ट जो मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में पूछता हूँ, अपने गेस्ट से पूछता हूँ कि व्हाट विल बी दैट वन एडवाइस जो आप, हालांकि आपके अभी 3 साल ही हुए मार्केट में, लेकिन 3 साल के आपके एक्सपीरियंस से आप अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या एडवाइस देना चाहोगे आपके एक्सपीरियंस? मेरे एक्सपीरियंस से मैं पहली एडवाइस तो ये दूंगा, या जो मैं पहली बात कहना चाहूंगा वो ये कि डोंट गिव अप, इज लाइक स्टे इन द फील्ड इफ यू रियली वांट टू ट्रेड, अगर आप चाहते हैं कि आपको ट्रेडर बनना ही है और आपको अच्छा लगता है ये काम और आप बने रहना चाहते हैं तो बने रहिए, सीखते रहिए। देर इज नो, इन माई लास्ट साइड एज आई सेड, लर्निंग गोज ऑन, आई एम स्टिल लर्निंग, मैं भी सीख रहा हूं, तो कभी भी आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अभी जैसे अब मैं रिटर्न बनाने लगा हूं, मैं 15% वाले मूव कैप्चर कर लेता हूँ, राइट, तो नेवर बी दैट पर्सन की अब मेरा हो गया जो मेरे को सीखना था वो सीख लिया। सेकंड थिंग, बी ऑब्जर्वेंट, और ऐसा ऐसा नहीं है कि इफ आई कैन डू इट लाइक अ पर्सन लाइक मी कैन डू इट, तो आई थिंक कोई भी कर सकता है, प्रॉफिटेबल बना जा सकता है अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप आपकी विल पावर है, आप विलिंग है वो करने के लिए, तो बी ऑब्जर्वेंट, गिव योर 100%, तो मुझे लगता है कि आप प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। जो भी स्ट्रेटजी है, सीखने के इतने तरीके हैं अंकुर जी, मैं बताऊं जैसे मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ से नहीं आपको कंटेंट मिल सकता, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, यू जस्ट हैव टू बी सीकिंग इट, आपको उसे सीख करना है, राइट। तो ये दो ही चीजें हैं जो अभी मैं कहना चाहूंगा अपने व्यूअर्स को, या जो जो मेरे साथी हैं नए सीखना चाहते हैं, आप लगे रहिए। या ठीक, ओके, यस, सो थैंक यू निशित जी फॉर योर टाइम, और आई होप कि ये लोगों को कुछ वैल्यू ऐड करेगा, एंड मे बी इन फ्यूचर फिर कुछ और हुआ तो आपसे जरूर से कनेक्ट करेंगे और आपको फिर से इनवाइट करेंगे। ठीक है, थैंक जरूर जरूर, आई होप दैट टू। यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू फॉर Thank योर you टाइम। so much, Ankur bhai, for having me once again. And I'm greatly, greatly inspired from you. So I'm very grateful doing this. So once again, thank you.